आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमेशा की तरह हम पिछली क्लास का एक रिवीजन करेंगे आज की इस क्लास में, फिर एक दो क्वेश्चंस हैं हमारे जो रह गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आज के एजेंडा में हमारे ये चार टॉपिक हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पूरी उम्मीद के साथ और इन कॉन्सेप्ट्स के साथ आज की क्लास को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले करते हैं पहले रिवीजन। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको दो मेनली चीजें बताई थी। एक बताया था मैंने न्यू इनकम टैक्स रिजीम, दैट इज द अल्टरनेट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। वो मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिविजुअल होगा तो उसके ऊपर, इंडिविजुअल और HUF के ऊपर सेक्शन 115 BAC एप्लीकेबल हो जाएगा अगर वो नए रिजीम में जाना चाहता है तो। लेकिन नए रिजीम में जाना चाहता है इसका मतलब उसको कम इनकम टैक्स लाइबिलिटी आएगी। कम इनकम टैक्स लाइबिलिटी आने का मतलब है कि सरकार आपसे कुछ बेनिफिट भी ले लेगी। तो क्या क्या बेनिफिट छीन लिए थे मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं। आपको याद नहीं करने हैं और ना ही ज्यादा डेप्थ समझनी है, चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको डेप्थ समझा दूंगा, बट ऊपर ऊपर से देखते हैं। तो सबसे पहले सैलरी वालों से उनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी 50,000 रुपए की, वो छीन ली थी। सैलरी वालों को जो अलाउंसेस की एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलती थी वो छीन ली थी। हाउस प्रॉपर्टी वालों में जो इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिला करती थी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, उसका बेनिफिट आपसे छीन लिया था। साथ ही साथ जो आपको डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से 80U तक मिला करती थी वो भी छीन ली थी, लेकिन दो डिडक्शंस थी जो छोड़ दी गई थी, 80JJAA और एक छोड़ी गई थी, कौन सी डिडक्शन थी, 80CCD2। तो ये दो डिडक्शंस आपको मिल जाएंगी, बाकी सारी डिडक्शंस आपकी वेव हो जाएंगी, सेक्रीफाइस हो जाएंगी। जैसे इंडिविजुअल और HUF के लिए सेक्शन आया था वैसे ही कंपनीज के लिए भी सेक्शन आया था, सेक्शन 115 BAA और BAB। दोनों में अलग अलग रेट बता दिए गए थे, एक में 22% का रेट दिया था, एक में 15% का रेट दिया था। तो 15% था मैन्युफैक्चरिंग वालों के ऊपर, कंडीशन थी कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया हो और 31 मार्च 2023 से पहले पहले उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया हो। और 22% था उन लोगों के लिए जो इस सेक्शन को ऑप्ट करते हैं। अब ये जो नया रिजीम आया था, अच्छा इसी तरह से एक रिजीम और आया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, सेक्शन 115 BAD, उसमें भी उनको रिलैक्सेशन दे दी गई थी टैक्स रेट की, जो कि कितना रखा गया था, 22% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। अब ये नया रिजीम जो आया था सेक्शन 115 BAC, इसमें स्लैब कुछ इस तरह से दिए गए थे कि आपको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है, उसके अगले 2.5 लाख पर 5%, देन अगले 2.5 लाख पर आप देंगे टैक्स 10%, का फिर 15%, फिर 20%, फिर 25%, और जो बैलेंस इनकम आपकी बचेगी उस पर आप टैक्स देंगे एट द रेट ऑफ 30%। सॉरी। तो इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नया रिजीम ऑप्ट करता है तो वहां पर सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन वाली कोई झगड़े वाली बात नहीं होगी, वहां सिंपल एक ही कंसेप्ट होगा, अगर आप सीनियर, अगर आप नए रिजीम में आ रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए का आपका स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। देयर विल बी नो 3 लाख लिमिट, देयर विल बी नो 5 लाख लिमिट। इतनी बात समझने के बाद हम पहुंच गए थे मार्जिनल रिलीफ पर। तो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, सरचार्ज लगने की वजह से अगर आपका इनकम टैक्स ज्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू योर इंक्रीज इन इनकम, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द टैक्स, वेयर देयर इज अ इंक्रीज इन द टैक्स व्हिच इज मोर देन एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन इनकम, देन यू विल गेट अ मार्जिनल रिलीफ, और आपको मिलना भी चाहिए क्योंकि आपकी जितनी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा आपका टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए लॉजिकली। तो यहाँ पर हमने मार्जिनल रिलीफ की बात करी थी और हमने बहुत सारे उसके केसेस भी देखे थे, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताइएगा क्या उस क्वेश्चन में असस्सी को मार्जिनल रिलीफ मिला है। पहले तो मुझे ये बताइए क्या आपने उस क्वेश्चन की एक्चुअल में प्रैक्टिस करी है, अगर करी है तो क्या उस केस में असस्सी को मार्जिनल रिलीफ मिला है, यस और नो। जिन लोगों को बुक नहीं मिली है, मे बी शायद उन लोगों ने प्रैक्टिस ना की हो, बट जिनको बुक मिल गई है मैं उनसे तो उम्मीद करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करके आए होंगे। क्लियर है यहां तक? तो मैं वेट कर रहा हूं इस बात का कि आप मुझे बताएं मार्जिनल रिलीफ मिला है उस क्वेश्चन में या नहीं। कौन सा क्वेश्चन है, चलिए वो क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं आपको। जो मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क दिया था वो दिया था क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया, पीछे है, राइट, ये रहा क्वेश्चन नंबर, मैंने दिया था आपको 9।
तो बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 9 में किसी ने मार्जिनल रिलीफ दिया है एसएससी को? क्या किसी केस में मार्जिनल रिलीफ मिला है, यस और नो? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, इसका मतलब मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। चलिए आज इस क्वेश्चन को हम करेंगे और देखेंगे वेदर मार्जिनल रिलीफ विल बी अलाउड और नॉट। तो मार्जिनल रिलीफ के बाद फिर मैंने आपको दो छोटी छोटी बातें और बताई थी। एक मैंने बताया था आपको एडजस्टमेंट ऑफ स्लैब, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई पर्सन प्रीथल, प्रीथल का आंसर आ गया है नॉट अलाउड, एब्सोल्युटली करेक्ट प्रीथल, नॉट अलाउड, मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, वेरी गुड। सो उसके बाद मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट ऑफ स्लैब का कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम, अगर आपकी नॉर्मल इनकम आपके स्लैब रेट से कम है, आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से कम है, तो उस केस में आपका जो बेनिफिट बच रहा है, अनयूटिलाइज्ड एग्जम्पशन लिमिट बच रही है, दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द स्पेशल इनकम। और कौन कौन सी स्पेशल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? 111A, 112A और 112, इन 3 इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है अगर आपका अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कुछ अमाउंट बच गया है। सर स्पेशल इनकम में तो एक इनकम और होती है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्या इससे भी एडजस्टमेंट हो सकती है? बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिएगा, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो केवल एडजस्टमेंट ऑफ स्लैब का जो बेनिफिट होगा वो केवल इन 3 इनकम के अगेंस्ट दिया जाएगा। अगर आपकी स्पेशल इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरी से आई है तो आपका भले ही कितना भी अनयूटिलाइज्ड स्लैब बच रहा हो, आपको उसका एडजस्टमेंट बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। मैं चाहता हूं इस बात को आप यहां पर लिख लें, क्योंकि मुझे पता है आज तो आपको अच्छी लग रही है और समझ भी आ गई है, लेकिन बाद में आप इस बात को भूल सकते हैं। तो यहां लिखिएगा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल अगेंस्ट एनी अदर स्पेशल इनकम। तो ये जो एडजस्टमेंट बेनिफिट होगा ये किसी और स्पेशल इनकम के अगेंस्ट नहीं दिया जाएगा, ये केवल और केवल, केवल और केवल 111A, 112 और 112A के अगेंस्ट ही दिया जाएगा। इसके अलावा कोई और स्पेशल इनकम ऐसी नहीं होगी जिस पर आपको ये बेनिफिट मिल पाए। तो इस सेक्शन को हमने पढ़ा था और इसमें साथ में ये भी पढ़ा था कि ये जो एडजस्टमेंट का बेनिफिट होगा ये केवल एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही दिया जाएगा, अगर उसकी नॉर्मल इनकम उसके स्लैब रेट से कम हो जाती है तो, अदरवाइज तो बेनिफिट की कोई बात ही नहीं आती। फिर हमने एक लास्ट कंसेप्ट और पढ़ा था, दैट इज द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो रिबेट अंडर 87A में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए से कम होती है तो उसको 12,500 रुपए तक के टैक्स की, 12,500 रुपीज तक के टैक्स की रिबेट दे दी जाएगी, अगर वो इंडिविजुअल है, अगर वो रेजिडेंट है और अगर वो 5 लाख रुपए तक की इनकम कमाता है। अगर उसकी इनकम 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी फालतू हो गई तो उसको 87A में रिबेट नहीं दी जाएगी। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो 112A, सॉरी 87A में आपको रिबेट मिलती है, ये रिबेट आपको 112A के टैक्स के अगेंस्ट नहीं दी जाएगी। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इनकम मान लीजिए 4 लाख रुपए ही आती है और पूरी की पूरी 4 लाख रुपए की इनकम 112A से आती है, तो ऐसे में भले ही उसकी इनकम कम है, भले ही वो रेजिडेंट है, भले ही वो इंडिविजुअल है, बट 87A की रिबेट आप उसे नहीं देंगे, बिकॉज 87A की रिबेट मना करती है कि 112A से आने वाली इनकम पर हम एप्लीकेबल नहीं होंगे, हम 112A की इनकम पर जो बेनिफिट टैक्स आ रहा है उस पर हम आपको बेनिफिट नहीं लेने देंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, अदरवाइज आप एग्जाम में एक गलती कर बैठ सकते हैं अगर आप इस बात पर खास ध्यान नहीं देते। तो इतनी बात मैंने आपसे करी थी और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क, जो कि था क्वेश्चन नंबर 12, तो आइए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, तो आइए आज उस क्वेश्चन की सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर और फिर उसके बाद चलते हैं आज अपने कंसेप्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, फटाफट से करेंगे इसको स्पीड के साथ।
9। YouTube स्टूडेंट्स, आपको यहां तक की बातें समझ आ रही हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए। मिस्टर एक्स जिनकी एज है 47 ईयर, 1,02,50,000 उनकी इनकम है, आपको बताना है कितना टैक्स पे करेंगे मिस्टर एक्स। तो 47 साल की उम्र है इनकी, 1,02,50,000 इनकी इनकम है। आइए टैक्स निकलवाइए। टैक्स ऑन रुपीज 102,50,000, तो 1,02,50,000 कितना टैक्स आ जाएगा इस पर? सर इस पर हम टैक्स कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है, 1,02,50,000 में से 10 लाख माइनस कर दो, इसका 30% कर दो, प्लस 1,12,500 कर दो, तो टैक्स आ जाएगा सर 28,87,500 रुपए। ठीक है, अच्छा यहां पर आप कंपैरिजन किससे करते चलोगे फिर? 1 करोड़ से, तो यहां पर आपका कंपैरिजन 1 करोड़ से होगा। अब इसके बाद आप इसमें क्या ऐड करेंगे? सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%, तो 28,87,500 रुपए का 15% जब मैं करता हूं तो ये आता है 433,125। अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 332,0625। दिस इज द टोटल अमाउंट विद इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब 1 करोड़ पर टैक्स कैसे निकाला था? तो हमने 1 करोड़ पर टैक्स निकाला था पिछली क्लास में, उसी को ले लेते हैं। 1 करोड़ के ऊपर टैक्स आया था 1 करोड़ के ऊपर का टैक्स ले लेता हूं यहां से, इसको मैंने कर लिया कॉपी और मैं चला गया हूं वापस से अपने क्वेश्चन पर। आप इतने निकाल लीजिएगा, आपकी स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है, आप निकाल पाएंगे। मैं थोड़ा स्लो हूं तो मैंने यहां पर इस तरह से इसको रख दिया। तो टैक्स आ गया है 1 करोड़ के ऊपर 30,93,750। अब मेरे साथ वापस से लिखिएगा, इंक्रीज इन इनकम टैक्स। आपके टैक्स में कितना इंक्रीज हुआ? तो देखिए आपके टैक्स में जो इंक्रीज हुआ वो इससे कंपेयर करिए आप। आपके टैक्स में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 3,320,625 माइनस 3,093,750। तो आपके टैक्स में इंक्रीज हुआ है 2,26,875 का, और इंक्रीज इन इनकम, आपकी इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है? 1 करोड़ से 1,02,50,000, तो आपकी इनकम बढ़ी है 2,50,000। सर क्या आपका इनकम टैक्स आपकी इनकम से ज्यादा बड़ा है? अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपका इनकम टैक्स आपकी इनकम से ज्यादा बड़ा है? सर आपका इनकम टैक्स बड़ा है 2,26,000, लेकिन आपकी इनकम बढ़ी है 2,50,000, तो ऐसे में तो फिर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, ऐसे में आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अब आप क्या लिखेंगे यहां पर? एक नोट देंगे एग्जामिनर को, उसको बोलेंगे सेंस द इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन द इंक्रीज इन टैक्स, हेंस मार्जिनल रिलीफ शेल नॉट बी अलाउड और अवेलेबल। मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल नहीं किया जाएगा, सो सिंपल। अब क्योंकि कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, इसका मतलब मार्जिनल रिलीफ नहीं है, तो यही अमाउंट वापस आ जाएगा 3,320,625। अब आप इसमें ऐड कर दीजिएगा हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो ये आ जाएगा 3,320,625 × 4%, दैट कम्स टू बी 132,825। अब आप इसका टोटल देख लीजिए कितना आ गया है, जरा मुझे भी बता दीजिए, 3,453,450। क्या इतना ही आंसर आ रहा है? बिल्कुल इतना ही आ रहा है। चलिए आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को भी हो प्लीज पूछ लीजिएगा।
YouTube स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, एंड लाइव एट होम वाले स्टूडेंट्स भी अपने डाउट पूछते रहिएगा साथ के साथ। आइएगा मेरे साथ आज की कुछ बातें स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बात समझिएगा, अब अगले आधे घंटे तक मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूं वो इस चैप्टर की बातें नहीं है, वो इस चैप्टर की बातें नहीं है, लेकिन आने वाले 4 महीने में मैं आपके साथ क्या क्या चैप्टर्स डिस्कस करने वाला हूं उसके बारे में कुछ मैं आपको यहां पर एक बैकग्राउंड दूंगा। सो आज की क्लास में केवल एक बैकग्राउंड दिया जाएगा कि आने वाले चैप्टर्स आपके किस तरह से चलेंगे और उसमें क्या क्या चीजें हम कवर अप करेंगे, या मैं कह सकता हूं आज हम एक हवाई यात्रा करेंगे अपने पूरे सब्जेक्ट की, कि अल्टीमेटली हमारा पूरा सब्जेक्ट क्या है, और उसको फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें किस किस चैप्टर में कवर करेंगे। बुक पर आइएगा मेरे साथ, अगर किसी पे बुक नहीं है तो बस आप यहां रेफर कर सकते हैं, जरूरत नहीं है बुक में देखने की ही। पेज नंबर 4, जस्ट हेडिंग देखिएगा, अभी हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, स्टेप फॉर कंप्यूटिंग द टोटल इनकम एंड द इनकम टैक्स लाइबिलिटी। आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे किसी व्यक्ति की इनकम कंप्यूट करते समय और उसका इनकम टैक्स कंप्यूट करते समय। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, क्लाइंट तो चलो बहुत बाद में आएगा, अभी तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो इसी पर बेस्ड होगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होगा। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या मेथड रहेगा किसी भी पर्सन की इनकम कंप्यूट करने का, और जब इनकम कंप्यूट कर लेंगे तो क्या मेथड रहेगा टैक्स कंप्यूट करने का। तो देखिए, जब सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको कंप्यूट करना होगा टैक्सेबल इनकम। ये बात तो मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि इनकम टैक्स विल बी लेविड ऑन द टैक्सेबल इनकम, नॉट ऑन द रियल इनकम। सो यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। वंस यू आइडेंटिफाई द टैक्सेबल इनकम, देन यू विल स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। अब ये जो टैक्सेबल इनकम है कैसे निकलेगी, तो उसके लिए आपको कुछ यहां पर स्टेप्स केवल देखने हैं, रटने नहीं है, याद भी नहीं करने हैं, केवल देखने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आप उस व्यक्ति का, उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे। सर, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? मेरा अगला चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, वहां पर मैं आपको इतना गहराई में समझाऊंगा व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस, लेकिन आज क्या समझना है आपको, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपके सामने कोई क्लाइंट आता है, कोई असेसी आता है, तो आप सबसे पहले पूछेंगे, भैया बताओ आप रेजिडेंट हो या रेजिडेंट नहीं हो, मतलब आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। सर, ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो रेजिडेंट है या नहीं है, क्योंकि आपका जो इनकम टैक्स है, आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है, वो रेजिडेंट को अलग निगाहों से देखता है और जो नॉन रेजिडेंट है उन्हें अलग निगाहों से देखता है। मेरी इस बात का एक ध्यान रखिएगा, लाइफ लॉन्ग ये बात बता रहा हूं आपको, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ये जो दो वर्ड हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं करे हैं, ये हमारे किसी जनरल डिक्शनरी में डिफाइन नहीं है, ये जो दो वर्ड जेनरेट करे हैं, इन दो वर्डों को जो जन्म दिया है वो इनकम टैक्स एक्ट ने दिया है। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या करता है, किसी भी पर्सन को दो निगाहों से देखता है, या तो वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। अब अगर ये रेजिडेंट है तो इसके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, और अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं तो मेरे लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ देयर इज अ डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर द रेजिडेंट एंड देयर विल बी अ डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर द नॉन रेजिडेंट। हेंस यू हैव टू स्टडी हाउ द पर्सन कैन बिकम अ रेजिडेंट एंड हाउ द पर्सन कैन बिकम अ नॉन रेजिडेंट, ये आपको समझना होगा। और इसी बात की डिटेल्ड डिटेल्ड डिस्कशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 में। तो इस तरह से आपका एक चैप्टर मैं कराऊंगा रेजिडेंशियल स्टेटस, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड, तो वहां पर आप डिटेल में समझेंगे।
कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक पर्सन कब रेजिडेंट होगा और कब नॉन रेजिडेंट होगा, कैसे रेजिडेंट होगा और कैसे नॉन रेजिडेंट होगा, और अगर वो रेजिडेंट हो गया तो उसके साथ क्या होगा, अगर वो नॉन रेजिडेंट हो गया तो उसके साथ क्या होगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ये ही सारी बातें उस चैप्टर में समझेंगे। फिर आपको स्टेप नंबर टू में क्या करना है, जो आप इनकम कमाते हैं, अब देखिए इनकम कमाने का कोई एक साधन नहीं हो सकता, इनकम कमाने का कोई एक सोर्स नहीं हो सकता, यू कैन अर्न योर इनकम फ्रॉम मेनी 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 सोर्सेस, आपका एक सोर्स, आपका दूसरा सोर्स, आपका तीसरा सोर्स, ऐसे आपके बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, आप अपना बिजनेस करते हैं, इनकम होती है, आप ज्वेलरी बेच देते हैं, इनकम होती है, आप बैंक में पैसा रखते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, इनकम होती है, आप किसी को पैसा उधार देते हैं, वो आपको इंटरेस्ट देता है, इनकम होती है, आपको गिफ्ट मिलता है, इनकम होती है, आपने अपना घर किराए पर दिया, रेंट से पैसा मिलता है, इनकम होती है, आपने मान लीजिए किसी को जैसे किसी के लिए कोई ब्रोकरेज का काम किया, मतलब किसी व्यक्ति के लिए कोई काम किया और वो आपको उसके बदले में कमीशन देता है, ब्रोकरेज देता है, वो आपकी इनकम होती है। इस तरह से जब आप सीए बन जाएंगे, आप क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए काम करेंगे, इनकम होगी, तो आपके जो इनकम कमाने के साधन हैं, सोर्सेज हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 50 नहीं, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स क्या करता है, उन सभी सोर्सेस को उठाकर पांच घर में बांट देता है। इनकम टैक्स कहता है आपके कितने भी सोर्सेज हो, वी डोंट केयर, हमारे हिसाब से आपके इनकम कमाने के पांच घर होंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड, इनकम टैक्स कहता है आपकी इनकम कहीं से भी आती हो, हमारे हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से आप केवल पांच घर से ही इनकम कमा सकते हैं, जिसमें पहला घर होगा आपका इनकम अंडर हेड सैलरी। इसका मतलब अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं और वहां से आपको पैसा मिलता है, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज इनकम अंडर हेड सैलरी। अगर आप अपना मकान किराए पर दे देते हैं तो उससे जो आपको किराया मिलता है वो इनकम आपकी कहलाएगी अंडर द हेड इनकम है, अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, वो आपकी इनकम कहां पर कहलाएगी, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो लॉ सेज नौकरी करते हो, पैसा कमाते हो, सैलरी लाते हो, सैलरी हेड है, मकान किराए पर देते हो, हाउस प्रॉपर्टी का हेड है। अब तीसरा हेड इनकम टैक्स ने क्या बोला, अगर आप अपनी कोई संपत्ति बेच देते हो, अगर आप अपनी कोई संपत्ति बेच देते हो तो वहां से जो आपको इनकम आएगी वो आपकी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन कहलाएगी। तो तीसरा हेड लॉ ने दिया अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसी तरह सरकार ने बोला अगर आप कोई बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो, जब आप सीए बन जाएंगे तो आप प्रोफेशन करेंगे, और बाकी जो लोग जो मतलब प्रोफेशन नहीं करते हैं वो क्या है, बिजनेस में है, तो अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमाते हैं तो वो आपकी इनकम हम क्लासिफाई करेंगे अंडर द हेड इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी का फुल फॉर्म क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसी तरह सरकार ने पांचवा एक घर बताया, सरकार ने बोला अगर कोई इनकम सैलरी नहीं है, अगर कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, अगर कोई इनकम कैपिटल गेन नहीं है, अगर कोई इनकम पीजीबीपी नहीं है, तो इसका मतलब वो इनकम अदर सोर्स है, वो इनकम अदर सोर्स है, अदर का मतलब मिसलेनियस, मिसलेनियस सोर्सेस है। तो जो इनकम इन घरों में नहीं समा पाई है, जो इनकम इन घरों में नहीं जा पाई है, जो इनकम इन घरों से बाहर भगा दी गई है, वो कहां पर जाके बैठ जाएगी, पांचवे घर में। पांचवा घर कौन सा है, इनकम अंडर हेड सॉरी इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस। इसको आजकल एक नया नाम दे दिया गया है, मतलब आप जैसी नई जनरेशन ने इसको एक नाम दिया है, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो पांच घर आपको सरकार ने बताए हैं, लॉ ने बताए हैं कि आपकी इनकम के पांच ही घर हो सकते हैं, तो
तो आपकी कोई इनकम या तो इस घर में जाएगी या इसमें जाएगी या इसमें इसमें नहीं तो इसमें। अगर कोई इनकम इन पांचों घर में नहीं जा पाएगी तो इसका मतलब आप मान लीजिएगा, इसका मतलब आप मान लीजिएगा कि वो इनकम टैक्स के दायरे में इनकम नहीं है। अगर कोई इनकम इन पांचों घरों में से किसी भी घर में नहीं जा पाती है तो इनकम टैक्स के हिसाब से वो आपकी इनकम नहीं है। वैसे भले ही वो आपकी इनकम हो बट इनकम टैक्स वाले उसे इनकम नहीं मानते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, एक एक वर्ड को मेरी ध्यान रखिएगा जो मैं यहां पर समझा रहा हूं, मैं आपको पूरा पूरा इनकम टैक्स गो थ्रू करवा रहा हूं। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में पहला क्वेश्चन, तो आपका दिमाग छूटते ही क्या करेगा, जितने भी आपको इंफॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चन में इनकम के रेस्पेक्ट में, तो उन इनकम को आप डिवाइड करना शुरू कर देना। अच्छा, ये वाली इनकम ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ये वाली इनकम ये पीजीबीपी की इनकम है, ये अदर सोर्स की इनकम है। तो जैसे ही आपने सेग्रीगेशन कर दिया, इसका मतलब आपने अपना आधा क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व कर लिया। अब सेग्रीगेशन आपको करना है केवल पांच हेड्स में, और वो जो पांच हेड्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट हेड्स होंगे आपके, वो डिफरेंट हेड होंगे ये वाले जो मैंने आपको बताए। पहला हेड आपके सामने आएगा इनकम अंडर हेड सैलरी, दूसरा आएगा इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है पीजीबीपी, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं आप पीजीबीपी, फोर्थ है कैपिटल गेन, और उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो आप यहां पर लिख सकते हैं IFOS। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में यूज करता हूं कैप गेन्स, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं कैप गेन्स, कैपिटल गेन ना बोल के कैप गेन्स बोलता हूं, और सैलरी तो सैलरी है ही, हाउस प्रॉपर्टी ही है। क्लियर है हम यहां तक, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं? तो आपको क्या करना है, फिर से बता रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपके सामने क्लाइंट आएगा, वो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम लेके आएगा, आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम आपके सामने रखेगा, आपको उन सोर्सेज को क्या करना है, पांच घरों में से किसी एक 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 घर में भेज देना है रिस्पेक्टिव। अब सर ये हमें कौन बताएगा कि कौन सी इनकम कौन से घर में जाएगी, ये हमें कौन बताएगा? इसके लिए मैं बैठा हूं, मैं आपको पांच चैप्टर करवाऊंगा। एक चैप्टर होगा आपका इनकम अंडर हेड सैलरी, चैप्टर नंबर 4 मैं आपको करवाऊंगा, तो वहां पर आपका एक चैप्टर बन जाएगा, और इस तरह से मैं आपको उस चैप्टर में सिखा दूंगा कि कौन कौन सी इनकम सैलरी की इनकम होती है, कौन कौन सी इनकम सैलरी की इनकम होती है। फिर मैं आपको एक चैप्टर नंबर 5 करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। पूरा समझेंगे उस चैप्टर में जाके कि कब कब कैसी कैसी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होंगी। इसी तरह फिर मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर 6, जो कि मेरा रहेगा पीजीबीपी का। एक मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 7, जो कि मेरा रहेगा कैप गेन्स का। और फाइनली हम करेंगे चैप्टर नंबर 8, जो कि मेरा रहेगा IFOS का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। तो देखिए मेरी पूरी जर्नी अभी तक आप समझ पा रहे हैं, मैंने 8 चैप्टर आपको करा दिए, 8 चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते आप इतने डेवलप हो जाएंगे कि आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। 8 चैप्टर करने के बाद आप पहला क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो कि एक फुल फ्लेश क्वेश्चन होता है। बाकी तो फिर अलग अलग चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, अच्छा एक और बात यहां लिख लीजिएगा, सैलरी हेड जब मैं आपको कराऊंगा तो मैं इसमें आपको 2 सेक्शंस करवाऊंगा, सॉरी 3 सेक्शन कराऊंगा, 15 से 17। जब मैं आपको सैलरी हेड करवाऊंगा तो मैं आपको केवल 3 सेक्शंस कराऊंगा, 15, 16, 17। बस सर 3 सेक्शंस होंगे? नहीं, 3 के अंदर सब सेक्शन भी होंगे, सब सेक्शन के अंदर क्लॉजेस भी होंगे, क्लॉजेस के अंदर सब क्लॉजेस भी होंगे। तो ऊपर ऊपर से अगर मैं देखूं तो मैं सेक्शन 15 से 17 तक की जर्नी तय करूंगा, लेकिन कहने को ये 3 है, बट अदरवाइज ही अपने आप में काफी लेंदी चैप्टर रहेगा। जब मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी में ले जाऊंगा तो मैं आपको 22 से लेके 27 तक के सेक्शन कराऊंगा, सेक्शन नंबर 22 से लेके 27 तक के सेक्शन हम करेंगे अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। फिर 28 से लेके 44 तक का सेक्शन हम तय करेंगे पीजीबीपी के हेड में, ये इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं बेसिकली। 15, 16, 17 सैलरी में कराऊंगा,
22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी में कराऊंगा, 28 से 44 आपको कराऊंगा पीजीबीपी में, और 45 से 55 आपको कराऊंगा कैपिटल गेन में, 45 to 55 सेक्शन आपको कराऊंगा कैपिटल गेन के अंदर, और 56 से लेके 58 तक के सेक्शन में आपको कराऊंगा IFOS में। तो इसका मतलब IFOS तक पहुंचते पहुंचते हम अपने 58 सेक्शंस मोटा मोटा मैं कह सकता हूं कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो बच जाएंगे वो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स के सेक्शंस हैं, उसे भी वहां पर कवर कर लेंगे। कितने सेक्शंस हैं हमारे इनकम टैक्स में, अगर किसी को याद हो पहली क्लास, 298 सेक्शंस हैं हमारे इनकम टैक्स में, अभी तक हम पहुंचे हैं 58 तक। आइएगा, इतना काम करने के बाद जब आप पूरी इनकम क्लासिफाई कर देंगे कि ये इनकम इस हेड में जाएगी, ये इसमें जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे, उन सभी इनकम को जोड़ देंगे। अब आपने अलग-अलग कैलकुलेशन कर ली, अब उन्हें जोड़ना है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर पहले अलग-अलग किया ही क्यों था जब जोड़ना ही था? अलग इसलिए किया था मेरे दोस्त क्योंकि हर हेड के अपने प्रोविजन है, हर हेड अपने हिसाब से इनकम कंप्यूट करने की बात करता है। अगर मैं उन्हें अलग ना करता तो मैं अलग अलग कैलकुलेशन, अलग अलग प्रोविजन अप्लाई ना कर पाता। अब क्योंकि मुझे वो अलग कैलकुलेशंस, अलग प्रोविजन अप्लाई करने थे, इसलिए मुझे उन्हें अलग करना पड़ा, और जब ये अलग होके रिस्पेक्टिव हेड से नाचते गाते हुए आ गए हैं कि देखो इस हेड में इतनी इनकम, इस हेड में इतनी इनकम, इस हेड में इतनी इनकम, तो अब मैं उन्हें आपस में जोड़ के टोटल इनकम निकालने की बात कहूंगा। तो स्टेप नंबर 3 हो गया आपका, कंप्यूट द इनकम अंडर ईच हेड, पांचों हेड में आप कंप्यूट करेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम का एक प्रोविजन लगाएंगे। व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम? क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम आपकी इनकम के अंदर जोड़ना। अब मान लीजिए कोई एसएससी है, उस एसएससी का एक छोटा बच्चा है, माइनर चाइल्ड है, उस माइनर चाइल्ड को अगर कोई गिफ्ट देके जाएगा, पैसे देके जाएगा, अक्सर होता है मेहमान आते हैं गिफ्ट देके जाते हैं, छोटे बच्चों को पैसे देके जाते हैं, तो अगर किसी छोटे बच्चे को, माइनर चाइल्ड को पैसे मिलेंगे, इनकम होगी, तो माइनर चाइल्ड तो इनकम टैक्स पे कर नहीं सकता। उस पैसे पर या तो उसके माता को या उसके पिता को, मतलब मदर को या फादर को, मम्मी को या पापा को, किसी एक व्यक्ति को उस पर टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज बच्चा टैक्स नहीं दे सकता। तो यहां पर उस बच्चे की इनकम आपकी इनकम में जोड़ी गई है। दैट एडिशन, वो जो आप जोड़ रहे हो मदर या फादर की इनकम में जोड़ रहे हो, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लबिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लबिंग। इट इज नॉट ओनली द वन थिंग कि यहां पर केवल यही एक केस होगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जहां पर आप एक व्यक्ति की इनकम किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम में जोड़ते हैं, उस प्रोसेस को आप क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। तो ये क्लबिंग ऑफ इनकम का भी मैं आपको एक चैप्टर करवाऊंगा, ये लीजिए आपका चैप्टर नंबर 9 बन जाएगा, ये आपका चैप्टर नंबर 9 बन जाएगा। आगे देखिएगा स्टेप नंबर 5। अच्छा, चैप्टर के नंबरों पर मत जाना, ये नंबरिंग सीक्वेंसिंग अलग अलग हो सकती है, कहीं आप इंडेक्स में देखने बैठ जाओ, सर आपने तो बोला है क्लबिंग चैप्टर नंबर 9 है, लेकिन आपकी बुक में हो सकता है 11-12 नंबर पर हो, तो उस प्रोसेस पे मत जाना। बट यस, देयर विल बी अ सेपरेट डिफरेंट चैप्टर वी विल कवर इन द चैप्टर की क्लबिंग क्या होती है। अब उसके बाद क्या होगा, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। आपको शायद मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बताता हूं। सेट ऑफ ऑफ लॉसेस क्या है, आपके एक घर में इनकम है, मैंने पांच घर बताए आपको, पहला घर है सैलरी, दूसरा घर है हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी कैपिटल गेन एंड आईएफओएस। तो एक घर में आपको इनकम हो गई लेकिन दूसरे घर में आपको लॉस हो गए, तो क्या आपके उन लॉसेस को इन इनकम के साथ एडजस्ट कर दें, क्या ये इनकम कम कर दें इन लॉसेस की वजह से ताकि आपका टैक्स कम हो जाए? आपके मन में जब आंसर आ सकता है हाँ सर कर दो, लेकिन जरूरी नहीं है कर ही सकते हैं, लॉ आपको बताएगा, इनकम टैक्स एक्ट आपको बताएगा कि कब कौन से लॉसेस कौन सी इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं, कब कौन से लॉसेस कौन सी इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, लॉ आपको बताएगा।
कानून बताएगा आपको, इनकम टैक्स एक्ट बताएगा आपको कि कौन कौन से लॉसेस कौन कौन सी इनकम से एडजस्ट होंगे और कौन कौन से लॉसेस कौन कौन सी इनकम से एडजस्ट नहीं होंगे। ये वाला जो आपको पूरा लॉ सिखाया जाएगा, प्रोविजन सिखाए जाएंगे, इसके लिए भी आपका एक चैप्टर आएगा आपके सामने, दैट इज सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। तो इसके लिए भी हम एक सेपरेट चैप्टर कवर करेंगे। तो ये आपके 10 चैप्टर हो गए यहां तक की कहानी में। आपके मन में एक सवाल आएगा, सर चैप्टर नंबर 3 आपने नहीं बताया, आपने 1 बता दिया, 2 बता दिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बता दिया, 3 कहाँ गया? 3 पर भी आएंगे, देखेंगे। फिर आपको क्या करना है स्टेप नंबर 6 में, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। अब आप कंप्यूट करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। सर ये कैसे कंप्यूट होगी? ये देखो, आपके जितने भी ये चारों हेड हैं, आपके जितने भी ये चारों हेड हैं, सॉरी पांचों हेड हैं, आप इन्हें जोड़ेंगे, इसके अंदर आप क्लबिंग करेंगे, इसके अंदर आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट प्लस या माइनस करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका कहलाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। जो रिजल्ट आएगा वो आपका कहलाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शंस माइनस करेंगे। डिडक्शंस, सर डिडक्शंस क्या होती हैं? सरकार कहती है अगर आप हमारी कुछ बातें मान लेंगे, सेविंग्स वगैरह करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान देंगे, अगर आप इंश्योरेंस करवाएंगे, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे, बच्चों की ट्यूशन फीस पे करेंगे, अगर आप 5 साल की एफडी करवाएंगे, अगर आप गाड़ी खरीदेंगे, नई गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे और उस पर लोन पर इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर आप पढ़ने के लिए लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उन सब चीजों की हम आपको डिडक्शंस देंगे। डिडक्शंस का क्या मतलब होगा? ऐसा अमाउंट जो आपकी इनकम को कम कर देगा ताकि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए, ऐसा अमाउंट जो आपकी इनकम को कम कर देगा जिससे कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए, वो आपकी डिडक्शंस कहलाएंगी। तो लॉ ये कहता है, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आप हमारी कुछ बातें पूरी कर देते हैं, शर्तें मान लेते हैं, तो हम आपको इन 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 आइटमों की डिडक्शंस दे देंगे ताकि आपकी इनकम कम कर दी जाए। तो यहां पर ग्रॉस टोटल इनकम जो आप निकालेंगे उसमें से माइनस कर देंगे हम डिडक्शंस। हम क्या माइनस कर देंगे? डिडक्शंस। और जैसे ही आप डिडक्शंस माइनस कर देंगे, आपके सामने जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज नेट टैक्सेबल इनकम। वो आपके सामने आ जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम। और मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है जो इनकम टैक्स में बार बार कही जाती है, टोटल इनकम टोटल इनकम टोटल इनकम। ये है वो आपकी इनकम जिसे आप कहते हैं बार बार टोटल इनकम टोटल इनकम टोटल इनकम। तो जब भी मैं पूरे इनकम टैक्स में आपसे कहूं टोटल इनकम, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ग्रॉस टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम? बताइए जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। जब भी मैं आपसे इनकम टैक्स में पूछूं टोटल इनकम, तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम? यूट्यूब स्टूडेंट्स आप भी बता सकते हैं, क्या कहेंगे आप इसे, जीटीआई या एनटीआई? एनटीआई, मयूर बिल्कुल ठीक। सो नेट टैक्सेबल इनकम इज द टोटल इनकम, यहां लिख लीजिएगा नेट टैक्सेबल इनकम इज टोटल इनकम। हाँ जी, तो ये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जो होगी वही आपकी टोटल इनकम कहलाएगी। अब जब आपने नेट टैक्सेबल इनकम निकाल ली, तो अब आपका काम क्या होगा? टैक्स कंप्यूट करना, क्योंकि टैक्स इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन द टोटल टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम। तो अब आप इस पर टैक्स कंप्यूट करेंगे। सो आपका स्टेप नंबर 9 आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ द रेट ऑफ टैक्स। और रेट ऑफ टैक्स मैंने आपको दो बताए हैं, एक स्पेशल रेट जो कि स्पेशल इनकम पर एप्लीकेबल होगा, और एक नॉर्मल रेट जो कि नॉर्मल इनकम पर एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे स्टेप नंबर 9 में, इस इनकम के ऊपर जो आपने इनकम ऊपर कंप्यूट करी उसके ऊपर आप टैक्सेस की एप्लीकेशन करेंगे। इनकम को दो पार्ट्स में बांटेंगे,
कितनी इनकम नॉर्मल इनकम है, कितनी इनकम स्पेशल इनकम है, स्पेशल में भी कौन कौन सी इनकम है, उस बेसिस पर आप अपने टैक्स के रेट अप्लाई कर देंगे। जब आपका टैक्स निकल जाएगा तो फिर ये स्टेप तो आपने अभी देखा ही है क्वेश्चन में, सरचार्ज लगा देंगे, रिबेट दे देंगे 87A की। जब ये आ जाएगा तो आप एजुकेशन सेस लगाएंगे, ये सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस नहीं है, इसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा हायर एजुकेशन सेस से। तो यहां पर हायर एजुकेशन सेस लगा दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 4%। क्लियर? फिर आपको स्टेप नंबर 12 क्या करना है, एडवांस टैक्स एंड टीडीएस। एडवांस टैक्स एंड टीडीएस क्या है, आज केवल बैकग्राउंड समझेंगे ताकि हम इन स्टेप्स को कंप्लीट कर पाए। समटाइम क्या होता है, सरकार आपसे ये कहती है कि एक साल में आप इनकम कमाते हैं, अगले साल में आप उसका टैक्स देते हैं, लेकिन हमें आप पे भरोसा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो अगले साल आप जब टैक्स देने की बारी आए, टैक्स देने का टाइम आए और आप भाग जाएं, हमें आप पे भरोसा नहीं है। तो उस भरोसे को बनाए रखने के लिए कि आप ना भागे, आप एक काम करिए, जैसे जैसे आप इनकम कमा रहे हैं वैसे वैसे आप हमें थोड़ा 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 टैक्स देते चले जाइए। तो जैसे जैसे आप इनकम कमा रहे हैं वैसे वैसे आप हमें थोड़ा 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 टैक्स देते चले जाइए, और वो जो थोड़ा थोड़ा टैक्स है वही आपका एडवांस टैक्स कहलाता है। मतलब क्या होता है सर, जनरल रूल अगर मैं देखूं तो जनरली पहले एक व्यक्ति पर्सन इनकम कमाता है एक साल में और अगले साल में जाके उसका टैक्स पे करता है, यस और नो? यस। बट एडवांस टैक्स में सरकार ये कहती है कि आप इनकम कमाते कमाते अपना टैक्स पे कर दो, ताकि दो फायदे हो। पहला फायदा, अगर आपका भागने का मन है तो आप भाग ना पाए क्योंकि आपने टैक्स अपना पहले ही दे दिया। दूसरा फायदा, सरकार को जो पैसा एक साल बाद मिलना था वो पैसा उसे सेम ईयर में मिल गया, तो वो भी अपना कम से कम कैश फ्लो मेंटेन कर पाएगी। अब आप सभी सीए बनने वाले हैं तो आप समझ पाएंगे कैश फ्लो कितना इंपॉर्टेंट है। जो पैसा मुझे एक साल बाद मिले अगर वही आज मिल जाए तो मेरे लिए कितनी अच्छी बात है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी देखा जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए भी सरकार फायदे में आ गई। और एक फायदा और हो गया, वो फायदा ये हुआ कि देखो जब मैं पूरे साल इनकम कमाता हूं और अगले साल टैक्स देने की बारी आती है तो मेरे माइंड में एक प्रेशर बन जाता है, इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा, कहां से आएगा इतना पैसा, इतना सारा टैक्स। लेकिन अगर यही मेरे से बिट्स एंड पीसेस में ले लिया गया हो, टुकड़ों में ले लिया गया हो चार बार, मतलब जितना मेरा टैक्स बनने वाला है वही सारा टैक्स चार टुकड़ों में अलग अलग समय पर ले लिया गया हो, तो मुझे उतना बर्डन फील नहीं होगा। लाइक अ ईएमआई, आप कह सकते हो ईएमआई बना दी हमने आपके टैक्स की, यस कह सकते हो। अब सवाल ये आता है सर, एक आदमी कैसे ये पता लगाएगा कि उसकी पूरे साल में कितनी इनकम होने वाली है? भाई पहले वाले सिनेरियो में तो आसान था, पहले वाले सिनेरियो में एक इनकम कमा रहा था व्यक्ति और अगले साल उसका टैक्स पे कर रहा था तो उसे पता चल गया था मेरी इनकम कितनी है पिछले साल में। लेकिन अब एक व्यक्ति जब इनकम कमाते कमाते टैक्स देगा, देन वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी इनकम कितनी होगी इस करंट ईयर में? तो उसी के लिए तो मैं आपको फिर एक चैप्टर सिखाऊंगा, इसका भी हमारा एक चैप्टर होगा एडवांस टैक्स का। ये लीजिए एक चैप्टर इसका आ गया। और टीडीएस क्या है, टीडीएस भी एडवांस टैक्स जैसा ही एक रूप है, जिसमें बस ये बोला जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देगा तो वो पूरे पैसे ना देके थोड़ा सा पैसा काट लेगा और कटा हुआ पैसा जो डिडक्ट कर लिया है पैसा वो सरकार को पे कर देगा। ये भी एक तरह का एडवांस टैक्स है, ये भी एक तरह का एडवांस टैक्स है, लेकिन इसके लिए भी हमारा एक अलग से चैप्टर है। तो ये लो आपका एक चैप्टर यहां पर आ गया, देख रहे हो ये चैप्टर ही हैं आपके जो मैंने यहां पर समराइज करके रखे हैं, ये सब आपको चैप्टर्स में पढ़वाऊंगा। अब देखिए क्या होगा लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप देखिएगा। मान लीजिए आपकी इनकम आई 12 लाख, मान लीजिए आपकी इनकम आई 12 लाख, आपका टैक्स आया 1,28,000, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, रफली लिया है, अज्यूम किया है, आपका टैक्स आया 1,28,000। अब 1,28 में आप सरकार को एडवांस टैक्स दे चुके हैं 28,000 रुपए का, आपका टीडीएस कट चुका है, आपका टीडीएस कट चुका है 50,000 रुपए का। तो अब सरकार आपको क्या करेगी,
1,28,000 रुपए का आपका टैक्स बनता था, आपका एडवांस टैक्स 28,000 रुपए कट चुका है, इसका मतलब सरकार के पास जा चुका है। आपका 50,000 रुपए टीडीएस कट चुका है, इसका मतलब ये भी सरकार के पास जा चुका है। तो सरकार आपको 50,000 रुपए और मांगेगी, तो इसका मतलब ये 50,000 रुपए आपका पेबल बन जाएगा। पेबल, पेबल कब बनेगा? जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी, जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू योर एडवांस टैक्स एंड टीडीएस, तो वहां पर आपका ये टैक्स पेबल होगा। और ये जो आपका टैक्स पेबल होगा, इसे आप पे करेंगे एज ए सेल्फ असेसमेंट, इसे आप पे करेंगे एज ए सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर आप असेसमेंट खुद करेंगे, आपको कोई करवाने नहीं आएगा। खुद का मतलब सरकार नहीं आएगी आपके पास, आपको अपनी ईमानदारी से अपना असेसमेंट करना है और ये जो टैक्स आपने निकाला है ये पे करना है। क्लियर? ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका 1,28,000 रुपए टैक्स बनता है और आपका एडवांस टैक्स, आपका एडवांस टैक्स 1,00,000 रुपए सरकार के पास गया हुआ है और आपका टीडीएस 50,000 रुपए सरकार के पास गया हुआ है, तो इसका मतलब आपने सरकार को दे रखे हैं 1,50,000 रुपए, जबकि आपका टैक्स बनता था 1,28,000 रुपए। तो सरकार आपको बाइज्जत 22,000 रुपए रिफंड कर देगी। सरकार कह रही है हम आपका पैसा नहीं रखेंगे, हम खुद्दार हैं, आपका 1 रुपया नहीं रखेंगे, हम आपका ये पैसा वापस कर देंगे। और सुनो मेरी बात, वापस तो कर ही देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे अगर हमने देरी कर दी है वापस करने में। तो अगर हमसे देरी हो जाएगी, सरकार कह रही है अगर हमसे देरी हो गई वापस करने में, तो आपके 22,000 इज्जत के साथ वापस करेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी देंगे आपको, तो ये आपका बन जाएगा रिफंड। और सर अगर ऐसा हो जाए, आपका टैक्स बना है 1,28,000 रुपए, आपका एडवांस टैक्स और टीडीएस मिलाकर कटा हुआ है 1,28,000 रुपए, तो क्या होगा? तो सरकार कह रही है टाटा बाय बाय, ना हम आपसे कुछ मांग रहे हैं ना हम आपको कुछ दे रहे हैं, आपका हमारा हिसाब बराबर, अब मिलेंगे अगले साल। ठीक है, तो तीन सिचुएशंस हो सकती हैं, एक पेबल की जब आपका टैक्स ज्यादा बने और टीडीएस एडवांस टैक्स कम हो, एक रिफंड की जब आपका टैक्स कम बने लेकिन टीडीएस और एडवांस टैक्स ज्यादा हो, और एक निल सिचुएशन जहां पर आपका टैक्स भी उतना ही है जितना आपका टीडीएस और एडवांस टैक्स कटा हुआ है। क्लियर? कोई डाउट यहां तक किसी को? नहीं। मयूर का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मयूर पूछ रहे हैं सर जो मेरा सरचार्ज रह गया है वो आगे डिटेल में पेंडिंग क्लास करूं या नहीं? आप पेंडिंग क्लास संडे को मॉर्निंग में कवर कर लेना, सरचार्ज वाली। संडे को हमारी जो क्लास होगी वो सरचार्ज के टॉपिक पर डिपेंड नहीं होगी, तो आप सेपरेटली उस क्लास को मॉर्निंग में कर लेना, इवनिंग में मेरी क्लास होगी तो आपका वो सेट ऑफ हो जाएगा। आइएगा वापस से बुक पर, तो स्टेप नंबर 13 में क्या होगा? स्टेप नंबर 13 में क्या होगा? आपका टैक्स पेबल या आपका टैक्स रिफंडेबल डिटरमाइन हो जाएगा। क्लियर है हम यहां तक? तो स्टूडेंट्स ये है वो आपके सारे चैप्टर्स, और ये है पूरे इनकम टैक्स की एक हवाई यात्रा जो मैं आपके साथ करूंगा। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अब जो चीजें कवर नहीं हुई हैं इसमें वो क्या होंगी? एक होगा एग्रीकल्चर इनकम, एक होगा एग्रीकल्चर इनकम, ये एक अलग से चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा। हालांकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये कॉन्सेप्ट पीजीबीपी के चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है। इंस्टीट्यूट आपको एग्रीकल्चर इनकम अलग से नहीं पढ़ाता, वो पीजीबीपी के चैप्टर में इंक्लूड करके पढ़ाता है, लेकिन मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम अलग से करवाऊंगा। सेक्शन 115 BAC अलग से मैंने बोला था, इसकी क्लास अलग होगी। AMT इसकी भी क्लास अलग से होगी। तो ये भी एक चैप्टर है जो इंस्टीट्यूट कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के साथ कराता है, मैं इसको अलग से कराता हूं। तो ऐसा करते हुए मेरे दो चैप्टर फालतू हो जाते हैं मेरे बुक में एज कंपेयर टू स्टडी मटेरियल। साथ के साथ स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो वो आपको एडवांस टैक्स और टीडीएस एक ही चैप्टर में करवाता है,
जबकि मैंने दोनों के अलग अलग चैप्टर डिजाइन करे हैं। एडवांस टैक्स अलग है और टीडीएस टीसीएस का चैप्टर अलग है। तो इस तरह से चैप्टर में डिफरेंस आता है जब आप कंपैरिजन करते हैं स्टडी मटेरियल से। आपको मैं फिर एक बात बोलना चाहूंगा, कंपैरिजन करना चाहे तो कर सकते हैं, बट आपको कंपैरिजन में मिलेगा ऐसा कुछ नहीं जो मैंने छोड़ रखा हो। मैंने सारी चीजें कवर करी हैं आपके स्टडी मटेरियल की, और कुछ एडिशनल ही आपको मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। यहां तक की बात अगर आपको क्लियर है तो एक छोटी सी बात और समझते हैं, छोटी सी बात समझेंगे। दो वर्ड आपको आएंगे बार बार इनकम टैक्स में सुनने को मिलेंगे, बार बार आपके सामने वर्ड्स आएंगे। एक वर्ड होगा एग्जेम्पशन, एक वर्ड होगा एग्जेम्पशन, एक वर्ड होगा डिडक्शन। आज समझ लीजिए दोनों में क्या फर्क है। मैं आज के बाद इस वर्ड पर एम्फेसाइज नहीं करूंगा, ये मानते हुए कि अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं। सो एग्जेम्पशन क्या होती है? एग्जेम्पशन का मतलब होता है ऐसी कोई आइटम, ऐसी कोई इनकम, ऐसी कोई आइटम या इनकम जिसे इनकम में शामिल नहीं किया जाता, जिसे इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि वो इनकम टैक्स के दायरे में एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ऐसी कोई इनकम विच इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स बिकॉज दैट इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो वो इनकम आपके लिए क्या कहलाएगी? एग्जेम्पशन। वो इनकम क्या कहलाएगी? एग्जेम्पशन। आपको चैप्टर नंबर 3 जो कराऊंगा वो इसी पर बेस्ड होगा। तो आपका एक क्वेश्चन रह रहा था, सर चैप्टर नंबर 3 के बारे में आपने नहीं बताया, तो जो आपको चैप्टर नंबर 3 कराऊंगा वो इसी पर बेस्ड होगा कि कौन कौन सी इनकम है जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है, जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, जो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट है, माफ है, इन इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, वो हम करेंगे इस चैप्टर में, विच इज चैप्टर नंबर 3। लेकिन कुछ आइटम होती है डिडक्शंस, जिसमें क्या होता है, उन आइटमों को पहले इनकम मानेंगे, उन आइटमों को पहले इनकम मानेंगे, लेकिन जब आप उसे कहीं खर्च कर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ट्यूशन फीस पे कर दोगे, एलआईसी पे कर दोगे, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लोगे उसका इंटरेस्ट पे कर दोगे, पढ़ने के लिए लोन लोगे उसका इंटरेस्ट पे कर दोगे, डोनेशन दे दोगे, रेंट दे दोगे, तो वहां पर हम आपको उसकी डिडक्शन दे देंगे। इसका मतलब दीज आइटम आर टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम फर्स्ट, पहले इनकम में जोड़ेंगे, जब जोड़ देंगे और आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी होंगी तो इनकम में से माइनस भी कर देंगे। इसका मतलब पहले इनकम में जोड़ो और फिर बाद में बेनिफिट दे दो, माइनस कर दो, डिडक्शंस दे दो। याद है डिडक्शंस अभी ऊपर देखी थी, अगर भूल गए हो स्टेप नंबर 7, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शंस देंगे, तो वो डिडक्शंस हम आपको दे देंगे। ये हो गई आपकी डिडक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं। एग्जेम्पशन मतलब वो इनकम जो आपकी इनकम ही नहीं है, एग्जेम्पशन मतलब वो इनकम जो आपकी इनकम ही नहीं है, और डिडक्शन मतलब वो इनकम जो आपकी इनकम में पहले जोड़ी गई है और बाद में उसे डिडक्शंस के बतौर माइनस किया गया है। क्लियर है मैं यहां तक? देखिएगा एक बार क्या लिखा है इसके लिए। देयर आर सर्टेन इनकम्स, इनकम टैक्स में कुछ ऐसी इनकम होती हैं विच आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, दैट इज द एग्रीकल्चर इनकम, एंड दीज इनकम हैव टू बी एक्सक्लूडेड एंड विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम। देयर आर सर्टेन डिडक्शंस एंड अलाउंसेस प्रिस्क्राइब्ड अंडर ईच ऑफ द हेड, फॉर एग्जाम्पल वाइल कैलकुलेटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आर अलाउड एज डिडक्शन। तो ये सब आप समझेंगे ग्रेजुअली ओवर द ऑल चैप्टर्स की कहां कहां पर कैसे कैसे कौन कौन सी डिडक्शंस दी जाती हैं। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कंफ्यूजन, कोई क्वेरी अगर हो तो पूछ लीजिएगा। देन इसके बाद मैं चलूंगा अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, किसी का भी कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जब जो मैं चीज आपको कराने जा रहा हूं वो
अभी तक की बातों से लिंक नहीं होगी। मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि क्या कोई चीज रह गई है इस चैप्टर में। देखिए हेड ऑफ इनकम ये मैंने आपको बताए थे, ये मैं आपको अलग अलग हेड्स में बताऊंगा इनकम अंडर सेक्शन 24, तो इसको लिए अभी टेंशन मत लेना। आई विल कवर द सेम इन द डिफरेंट हेड्स, जब अलग अलग चैप्टर्स आएंगे तो वहां से मैं वापस यहाँ लेके आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये चीजें हम चैप्टर में कर रहे हैं। तो ये पेज आपके लिए काम का नहीं है। एक है एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एक है मैक्सिमम मार्जिनल रेट, इसे मैं कराऊंगा आपको टीडीएस के चैप्टर में, अभी मत देखिएगा। टीडीएस का चैप्टर जब उठाएंगे तब इसको करेंगे, अभी मत देखिएगा। इसके बाद आइएगा, इस पेज पर सारी बातें हमने कर ली हैं, इस पेज पर भी कंप्लीट है, यहां भी कंप्लीट है, ये भी हमने कर लिया है। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हमने कर लिए हैं, 10 मैंने आपको होमवर्क दिया, अच्छा 10 मैंने कटवा दिया था क्योंकि ये डबल प्रिंट हो गया है, 11 डबल प्रिंट नहीं है, 11 डबल प्रिंट नहीं है, इसे आप कर लीजिएगा, ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज मार्क्ड एज होमवर्क, आप करिएगा, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगी तो मैं बता दूंगा। वैसे मैंने 1 करोड़ 1 लाख पे करवा रखा है आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, ये 3 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 16 भी है। तो 16 तो आपका होमवर्क है, इसमें तो कोई बात डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका होमवर्क रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और आइए क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर श्याम है, 29 ईयर इनकी एज है, 3,45,000 इनकी इनकम है सैलरी से एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट से, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी, आपको टैक्स लाइबिलिटी बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 13। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर श्याम, मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग मेरी थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। क्या करेंगे आप इसमें, आप यहां देखेंगे टोटल इनकम है 3,45,000, टैक्स ऑन रुपीज 3,45,000 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 2,50,000 देयर विल बी जीरो टैक्स, जीरो आ गया। नेक्स्ट कितना बचेगा, 3,45,000 में से नेक्स्ट 2,50 माइनस कर दोगे, देयर विल बी 5% टैक्स, 4,750 टोटल आ गया, 4,750 माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87 दे दोगे, यस 4,750, तो टैक्स कितना हो जाएगा, जीरो। ये तो मैं होमवर्क भी दे सकता था आपको, पता नहीं मैंने क्यों करा दिया। चलिए फिर ये वाला होमवर्क ले लो, अगर ऐसा ही आपको लग रहा है कि इतने आसान क्वेश्चन आप करा रहे हो क्लास में, तो ये होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर 15 पूरा सॉल्व नहीं करते, इसको यहीं पर देख लेते हैं। इनकम है 9,46,300, मिस्टर ए है, मिस्टर राम है, 60 साल के हैं, ध्यान रखिएगा 60 साल के हैं, 9,46,300 इनकी इनकम है, इन्होंने सेक्शन 115 बीएसई ऑप्ट नहीं किया है, इन्होंने सेक्शन 115 बीएसई ऑप्ट नहीं किया है, कैसे निकालेंगे टैक्स। आप बोलेंगे सर 9,46,300 में से 3 लाख रुपए माइनस कर दो, 3 लाख रुपए माइनस कर दो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 5 लाख तक, मतलब 2 लाख रुपए का जो डिफरेंस है इस पर, तो 5% आ जाएगा, तो 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% 10,000 रुपए आ गया,
और 9,46,300 माइनस 5 लाख, 9,46,300 माइनस 5 लाख, इसका कर दो 20%, तो ये आ गया 89,260, 89,260 प्लस 10,000, ये आ गया 996, सॉरी 99,260, ये आ गया 99,260। और रिबेट दोगे क्या, 87A की रिबेट दोगे? नहीं देंगे सर, 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो इसमें जोड़ दो फिर तुम अपना 4% का हायर एजुकेशन सेस। लो जी कितना आ गया, 103, 103, 230। तो ये आपका टैक्स यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है दूसरे पार्ट में देखिए, व्हाट विल बी द टैक्स लाइबिलिटी इफ मिस्टर राम इज अ नॉन रेजिडेंट। अगर मिस्टर राम नॉन रेजिडेंट हो जाए तो क्या होगा। अब नॉन रेजिडेंट के केस में सीनियर सिटीजन का स्लैब मुझे कौन बताएगा, चैट बॉक्स में कौन बताएगा मुझे नॉन रेजिडेंट का सीनियर सिटीजन स्लैब, नॉन रेजिडेंट का सीनियर सिटीजन स्लैब जो मुझे बताएगा, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में नॉन रेजिडेंट का सीनियर सिटीजन स्लैब बता दो फटाफट, मैं तो भूल ही गया हूं, बहुत दिन हो गए मुझे पढ़े हुए। नॉन सीनियर सिटीजन का स्लैब क्या होता है, कौन बताएगा, फटाफट से बता दो। बहुत लेट लतीफ हो तुम लोग, बहुत पूछा कब जाता है बताते कब हो। YouTube पर आंसर आया है चंचल का, YouTube पर बताओ। लाइव एट होम वाले क्या कर रहे हैं, बिग बॉस देख रहे हो? अच्छा बिग बॉस आज नहीं आता होगा। एनीवेज आईपीएल देख रहे हो? बिल्कुल ठीक है चंचल आपका आंसर। ये तो सब नलायक हैं, लाइव एट होम वाले सब नलायक हैं, कोई नहीं जवाब दे रहा है यहाँ पे। पता नहीं 2.5 लाख रुपए का स्लैब होता है नॉन रेजिडेंट, चाहे वो सीनियर सिटीजन है चाहे वो नहीं है। तो अब जब 2.5 लाख का स्लैब होगा तो क्या हो जाएगा, 2,500 रुपए का टैक्स बढ़ जाएगा। सो सिंपल, 99,260 में 2,500 रुपए का टैक्स और बढ़ा दो। 2,500 कैसे सर, ये जो 50,000 का डिफरेंस है ना, इसके ऊपर 5% का टैक्स है जो आपने कम निकाला था यहां पर, ठीक है? तो 99,260 प्लस 2,500 कर दोगे तो ये आ जाएगा 101,760। इसमें जोड़ दो 4% का हायर एजुकेशन सेस, तो ये आ जाएगा 105,830, ठीक है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को भी हो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। आंसर मैंने दे रखे हैं सभी के, फाइनल आंसर जो निकलेंगे। एक करेक्शन करिएगा प्लीज, लाइव स्टूडेंट होम जिनको बुक मिल चुकी है वो करेक्शन कर लीजिए बुक में, और जिनको मिलेगी वो मिलने के बाद करेक्शन कर लीजिएगा। करेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, करेक्शन का मतलब कहीं बस थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक में सबसे पहली मिस्टेक ठीक करिएगा पेज नंबर 23 पर, पेज नंबर 23 पर ये जो गिल्स लिखा है, पर्सनल गिल्स, ये गिल्स नहीं है, इट इज अ गिफ्ट। ये क्या है, गिफ्ट है। इसके बाद रेवेन्यू रिसीप्ट वी लिखा हुआ है, वी, ये वी नहीं है, इट इज अ वर्सेस, इट इज अ वर्सेस, ठीक है? तो ये दो करेक्शंस हैं, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब हमारा इस चैप्टर में केवल ये दो बातें रह गई हैं, पहली अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम और दूसरी कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इन दो बातों पर हम डिस्कशन करेंगे,
नाउ द टेक्निकल डिस्कशन हैज बीन ओवर। ऑनेस्टली टेक्निकल डिस्कशन ओवर हो गया, अब तो जो हम देखने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, बट दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ। जब आप सीए की दुनिया में आ ही गए हैं, जब आपने इनकम टैक्स में पैर रख ही दिया है, तो आपको कुछ बातों से फेमिलियर होना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। वो चीजें आपके सिलेबस का पार्ट भले ही ना हो, आपके एग्जाम का पार्ट ना हो, बट आपको इनकम टैक्स को समझने के लिए, इनकम टैक्स की भावनाओं को समझने के लिए, इनकम टैक्स के असेंस को समझने के लिए उन बातों को समझना पड़ेगा। आइएगा मेरे साथ, हम बात कर रहे हैं अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम की। हम बात कर रहे हैं अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम की। क्या होती है अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम? ऐसी इनकम जो डिस्क्लोज्ड नहीं है, ऐसी इनकम जो सरकार की निगाहों से छुपा रखी है, ऐसी इनकम जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं है कि आपकी ये भी इनकम है और ना आपने कभी बताया है। देखिए, इनकम टैक्स और जीएसटी ऑलवेज वर्क्स ऑन सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का क्या मतलब होता है? आप पहले अपनी ईमानदारी से बता दो जो जो कुछ है, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। तो इनकम टैक्स क्या कहता है? अगर आप अपनी ईमानदारी से अपनी इनकम बता रहे हैं, अगर आप अपनी ईमानदारी से अपनी चीजें बता रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम ढूंढने पर आएंगे, हम उसे पकड़ेंगे, तो आपके ऊपर पेनल्टी, इंटरेस्ट और अच्छा खासा टैक्स लगा देंगे। और अगर आप भूल गए हैं मेरी बात को, सॉरी नहीं भूले हैं मेरी बात को, तो मैंने आपको टैक्स रेट बताया था अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर कितना था। कौन बताएगा जरा चैट बॉक्स में कौन मेरी हेल्प करेगा? अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर कितना टैक्स रेट था? कोई तो हो जो मेरी हेल्प कर दे, मैं भूल गया हूं। तो इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं लाइव एट होम में, लेकिन एक भी नहीं बता रहा है कि क्या बताया था। हाँ, चंचल शिंदे सही जवाब, 60% बताया था। है आपके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स या नहीं है? है। तो अगर आपकी अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम पकड़ी जाती है तो आपके ऊपर 60% का टैक्स लगा दिया जाएगा। सर होती क्या है अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम? वो इनकम जो सरकार की निगाहों से छुपा दी गई थी, वो इनकम जो सरकार की निगाहों से छुपा दी गई थी। मयूर कह रहे हैं सर क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन तो बोला था, दो बार बोला था मयूर। क्वेश्चन था, सरकार अगर आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम पकड़ती है, अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम पकड़ती है, तो कितना परसेंट आपके ऊपर टैक्स लगता है? तो बेसिक टैक्स है 60% प्लस 25% का सरचार्ज प्लस 4% का एजुकेशन सेस एंड इफेक्टिवली इट विल बी 78%। अब सवाल ये उठता है सर अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम होते क्या हैं? मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। ऐसे सोर्सेज जहां से आप इनकम कमाते हैं और सरकार को बताते नहीं हैं। आइएगा मेरे साथ, कैश क्रेडिट। सर क्या होते हैं कैश क्रेडिट? आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रखी हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एक इनकम लिखी हुई है, लेकिन उस इनकम के बारे में आपने सरकार को नहीं बता रखा और सरकार आपसे पूछने आई है, बताओ ये इनकम कहां से आई आपके पास, बताओ ये इनकम आपने कैसे कमाई। आपने कहा मुझे नहीं पता ये इनकम मैंने कहां से कमाई, मुझे नहीं पता। सरकार पूछ रही है बता दो मेरे भाई, बता दो कहां से इनकम आई है। आपने कहा मुझे नहीं पता कहां से आई है। सरकार ने फिर आपको वार्निंग दी, आखिरी बार पूछ रहे हैं बता दो ये इनकम कहां से आई है। आप कह रहे हो सर मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में कहां से आई है। तो वो इनकम आपके लिए अनडिस्क्लोज्ड इनकम कहलाएगी और वो आपके कैश क्रेडिट कहलाते हैं। एक ऐसी इनकम जो आपकी किताबों में पाई जाती है,
किताबों का मतलब आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक, जनरल किसी में पाई जाती है, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं कि इनकम आपको कहां से आई, आपने कहां से कमाई, कैसे कमाई, किसने आपको ये इनकम दी, आप जवाब नहीं देते हैं, या जवाब तो देते हैं लेकिन सरकार को वो जवाब अच्छा नहीं लगता। आपने जवाब तो दिया लेकिन सरकार को वो जवाब पसंद नहीं आया, तो सरकार उस केस में उसे अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम मान लेगी। सरकार उसे क्या मानेगी? अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम, ऐसी इनकम जो आपने हमसे छुपाई थी। पढ़िएगा मेरे साथ, पढ़िएगा मेरे साथ। पहला पॉइंट, वेयर एनी सम इज फाउंड, जब कोई पैसा पाया जाता है, एनी सम इज फाउंड, एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ एसएससी, एसएससी की किताबों में कोई पैसा पाया जाता है, एंड द एसएससी ऑफर्स, एसएससी ऑफर करता है कोई भी एक्सप्लेनेशन, मींस एसएससी ऑफर नहीं करता है कोई भी एक्सप्लेनेशन, अबाउट द नेचर एंड द सोर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, एसएससी बोलता है मेरे पास जवाब नहीं है, या एसएससी जवाब तो देता है लेकिन वो जवाब अच्छा जवाब नहीं है, मतलब सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट उसके जवाब से खुश नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट उसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं है, देन इन दैट केस एओ असेसिंग ऑफिसर विल द ओपिनियन द सम सो क्रेडिटेड मे बी चार्ज एज द इनकम ऑफ एन एसएससी ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके यहाँ पूछताछ करने आया था, इंक्वायरी करने आया था, सर्च करने आया, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 5 करोड़ रुपए की इनकम पकड़ी गई जिसे आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता नहीं रखा है। अब डिपार्टमेंट आपके सामने बैठ के पूछ रहा है, भाई बता कहाँ से आए 5 करोड़, किस चीज के आए 5 करोड़, आप कहते हो मुझे नहीं पता किस बात के आए, कहाँ से आए, कैसे आए, बस आ गए, तो ये आपका जवाब सेटिस्फाई जवाब है क्या? नहीं। ऐसे में एओ क्या करेगा? ऐसे में एओ बोलेगा आपकी इनकम बना देंगे 5 करोड़ और आपके ऊपर इनकम टैक्स लगा देंगे एट द रेट ऑफ 78%, एट द रेट ऑफ 78%। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, आपकी किताबों में ऐसी संपत्तियां, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स पाई जा रही है जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपने 50 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा हुआ है, आपने 100 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं, आपने 100 करोड़ रुपए का गोल्ड रखा हुआ है अपने घर में, इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, इन्वेस्टमेंट्स, और आपसे पूछा जा रहा है बताइए पैसा कहाँ से आया था, आपने 100 करोड़ रुपए के शेयर कहाँ से खरीदे थे, आपने 20 करोड़ रुपए की ये एसेट खरीदी है, इन्वेस्टमेंट खरीदी है, कहाँ से लेके आए थे, ये इन्वेस्टमेंट किसकी है बताओ जरा, आपके नाम पर बेनामी संपत्तियां पाई जा रही हैं, जो पता चल रहा है आपकी संपत्तियां हैं और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं संपत्तियों का, क्या होगा? सरकार उस संपत्ति को आपकी इनकम मान लेगी और उसे ट्रीट करेगी एज ए अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। सरकार उस संपत्ति को आपकी इनकम मान लेगी और अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम ट्रीट करते हुए आपके ऊपर कितना टैक्स लगा देगी? 78% का। कितना टैक्स लगा देगी? 78%। पढ़िएगा, वेयर इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर असेसी हैज मेड द इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं थी, एंड एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन, एसएससी से पूछा गया भैया जवाब दो कुछ तो बोलो, एसएससी कहता है मैं नहीं बोलता, और अगर बोला तो ऐसा जवाब बोला जो असेसिंग ऑफिसर को पसंद नहीं आया, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? असेसिंग ऑफिसर उस केस में उसे आपकी इनकम मान लेगा और आपके ऊपर टैक्स लगा देगा एट द रेट ऑफ 78%। पढ़िएगा इस लाइन को, वेयर द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर एसएससी हैज मेड द इन्वेस्टमेंट्स, एसएससी ने इन्वेस्टमेंट करी है विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि उसकी किताबों में रिकॉर्ड नहीं है, एंड एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है वो बेचारा अबाउट द नेचर एंड द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट,
और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। एक्सप्लेनेशन तो दे रहा है बेचारा, लेकिन जो बोल रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा डिपार्टमेंट को। कह रहा है डिपार्टमेंट हमें आपकी बात में मजा नहीं आया, आपकी बात हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी। क्योंकि ये सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी या आपने जवाब नहीं दिया, तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को, इस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को आपकी इनकम मान लूंगा, डीम्ड इनकम मान लूंगा, और इसे मैं आपके ऊपर टैक्स कर दूंगा एट द रेट ऑफ 78%। क्लियर है यहां तक? बताइए कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आइएगा तीसरे नंबर पर, अनएक्सप्लेन्ड मनी। रेड हो गई किसी असस्सी के घर पर, रेड हो गई, छापा पड़ गया इनकम टैक्स का, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, सोना ही सोना, सोना ही सोना पाया गया उसके घर पर। पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? बताइए कहां से लाए हो इतना पैसा, क्या कर रहे थे इतने पैसे के साथ, इतना सोना? लोगों के पास सोना नहीं है और आप यहाँ पर इतना सोना लेके बैठे हो, क्या कर रहे थे, कहाँ से लाए थे, बताइए, डिस्क्लोज करिए, बताइए सोर्स। आप कह रहे हैं सर मुझे नहीं पता, कोई मेरे घर पर रख गया, मुझे नहीं पता कोई आया और मेरे घर पर ये सारा सोना और पैसा रख गया। क्या आपका जवाब सेटिस्फेक्ट्री आंसर है? क्या एओ आपके बात को मान लेगा? क्या एओ कहेगा हाँ आपका पड़ोसी आया था, वो रख गया होगा? नहीं, इसे भी हम अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम मान लेंगे और टैक्स कर देंगे एट द रेट ऑफ 70% प्लस पेनल्टी अलग लगाएंगे, इंटरेस्ट अलग लगाएंगे, टैक्स है 78%, बाकी तो अलग चीजें आपके ऊपर अलग चलेंगी। देखिएगा अनएक्सप्लेन्ड मनी, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में असेसी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ, असेसी को उसका मालिक मान लिया जाता है, किसका? मनी, बुलियंस, ज्वेलरीज और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। आपके घर में 2 करोड़ रुपए की गाड़ी पकड़ी गई और आप नहीं बता पा रहे हैं 2 करोड़ की गाड़ी कहां से आई थी, इसका मतलब वैल्यूएबल आर्टिकल पकड़ा गया, वैल्यूएबल थिंग्स पकड़ी गई, और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं पड़ोसी छोड़ गया था ये, तो मुझे नहीं पता कहां से आया। आपका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं माना जाएगा, और क्योंकि ये जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है या आपने आंसर नहीं दिया, इसलिए इसे भी हम क्या मान लेंगे, अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम मान लेंगे। देखिएगा, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर एसएससी को अगर किसी मनी का, बुलियन का, ज्वेलरी का या वैल्यूएबल आर्टिकल का, थिंग्स का ओनर माना जाता है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो उसकी किताबों में रिकॉर्ड नहीं है। किताबों में रिकॉर्ड है तो कोई बात नहीं, फिर तो आपने व्हाइट की प्रॉपर्टी बना रखी है, इनकम टैक्स भी जानता है उसके बारे में। बट अगर कोई संपत्ति आपकी किताबों में रिकॉर्ड नहीं है तो उसकी बात हो रही है। एंड एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड द सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच मनी, बुलियन, और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ एओ, देन द मनी एंड द वैल्यूएबल बुलियन एक्सेट्रा मे बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ एसएससी। आप उसे एसएससी की इनकम मान लेंगे। तो जैसे ही आपके घर में ये, आपके मतलब एसएससी के घर में सोना पकड़ा जाएगा, पैसा पकड़ा जाएगा, और एसएससी कहता है साहब मुझे नहीं पता ये पैसा कहां से आया था, मैं नहीं जानता इसके बारे में, तो आपकी इनकम मानो या ना मानो मान लिया जाएगा। क्योंकि क्या लिखा है लॉ में, लॉ में लिखा है डीम्ड, डीम्ड, डीम्ड का मतलब क्या होता है, मानो या ना मानो मान लिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, आपने इन्वेस्टमेंट्स तो की हुई हैं, सरकार को बताई भी है मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं बताई हैं। आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है 100 करोड़ रुपए की और सरकार के पास इंफॉर्मेशन दी हुई है 40 करोड़ रुपए की। मैं ये नहीं कह रहा आपने बिल्कुल भी नहीं बताया सरकार को, बताया तो है लेकिन पूरा नहीं बताया। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स आपने सरकार के सामने कितने की दिखाई है, 40 करोड़ रुपए की। सरकार अगर ये 60 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ढूंढ ले, कैसे ढूंढेगी, चश्मा लगा के, लेंस लगा के अगर वो इस बात को ढूंढ ले, ये देखिए सरकार ने ढूंढ ली है इनकम आपकी, ढूंढ लिए हैं इन्वेस्टमेंट्स आपके अलग अलग,
तो इस इन्वेस्टमेंट को भी सरकार 78% पर टैक्स कर देगी बाय द डीमिंग फिक्शन, डीमिंग प्रोविजन के थ्रू, कि ये आपका अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। देखिए क्या लिखा है लॉ में, वेयर एन इन एनी फाइनेंशियल ईयर असेसी हैज मेड द इन्वेस्टमेंट और इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ इन्वेस्टमेंट बुलियन ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग्स एंड एओ फाइंड्स दैट द अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट्स, उस इन्वेस्टमेंट पर जो आपने पैसा खर्च किया है, एक्सीड्स द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो आपने पैसा खर्च किया है वो ज्यादा है किससे, जितना आपने बुक्स में दिखाया है। आपने पैसा खर्च किया 100 करोड़, बुक्स में दिखाया आपने 40 करोड़, क्या 100 करोड़ ज्यादा है 40 करोड़ से? यस। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा 60 करोड़, उसे आपकी इनकम मान लिया जाएगा। देखिएगा क्या लिखा है, एंड अगेन असेसी हैज ऑफर नो एक्सप्लेनेशन, असेसी कोई जवाब नहीं देता, या जवाब देता है लेकिन वो असेसिंग ऑफिसर को पसंद नहीं आता, तो उसे सरकार क्या कर लेगी, डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ असेसी मान लेगी। उसे सरकार क्या करेगी, डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ असेसी मान लेगी। चल सकते हैं आगे, एग्जाम्पल देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इफ एन असेसी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ से 300 ग्राम ऑफ गोल्ड, अगर किसी के घर में 300 ग्राम सोना पाया जाता है जिसकी मार्केट वैल्यू है 25,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 पे, बट द असेसी रिकॉर्डेड टू हैव स्पेंट ऑन ऑफ ₹15,000 इन एक्वायरिंग इट। मतलब मार्केट वैल्यू है 25,000, असेसी कह रहा है जी मैंने तो ये 15,000 में खरीदा था, इसका मतलब कितने का जवाब आप छुपा गए, 10,000 का। कोई चीज मार्केट में 25 की है और आप कह रहे हो जी मैंने तो 15 में खरीदी है, इसका मतलब कितने का आप घपला कर रहे हो, 10,000 का। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर कैन ऐड 10,000, दैट इज द डिफरेंस ऑफ अ मार्केट वैल्यू एंड द गोल्ड परचेजिंग वैल्यू 15,000 एज द इनकम ऑफ असेसी। उसे वो असेसी की इनकम मान लेगा अगर असेसी इसकी कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। अब सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो ये कह सकता है कि सर डिस्काउंट चल रहे थे, दिवाली सेल चल रही थी, धनतेरस पर तो घर महंगा हो जाता है, दिवाली ऑफर था या कोई भी ऑफर था, ईयर एंड ऑफर था, सस्ता हो गया था, ज्वेलर ने रेट सस्ता कर दिया था, थोड़ा सा मिलावटी सोना था, फलाना था, जो भी कोई एक्सक्यूज दे सकता है वो, उस बेसिस पर तो उसके जवाब माने जा सकते हैं। लेकिन अगर वो आटे में नमक खाएगा चल जाएगा, नमक में आटा खाएगा तो पकड़ा जाएगा। क्लियर सी बात है। एक और चीज देखिएगा, असेसी अपने घर में शादी करते हैं, असेसी अपने घर में लड़के की या लड़की की शादी करते हैं, आलीशान शादी, राजाओं महाराजाओं जैसी शादी, राजाओं महाराजाओं जैसी शादी, जिस शादी में 10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, असेसिंग ऑफिसर उसी शादी में इनवाइटेड होता है, असेसिंग ऑफिसर उसी शादी में इनवाइटेड होता है, उसे भी कार्ड गया होता है, जब वो शादी में आता है देखता है 10 करोड़ रुपए की शादी हुई है, बाहर बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज टेस्ला खड़ी हुई है दहेज में, और असेसिंग ऑफिसर जब असेसी से पूछता है बताइए 10 करोड़ रुपए कहाँ से लाए थे जिससे आपने शादी करी है, असेसिंग ऑफिसर कहता है जी पता नहीं बस हो गई, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा हो गया, कैसे हुई पता नहीं, 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए पता नहीं कैसे हो गए, भगवान की दया से सब अच्छा हो गया। क्या असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम नहीं मानेगा, मानेगा, क्यों, वो देख रहा है आप 10 करोड़ रुपए की शादी कर रहे हैं लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न आपकी 2.5 लाख रुपए की है, 10 करोड़ रुपए की शादी करते हैं इनकम टैक्स आप 1 रुपया भी नहीं देते, 10 करोड़ रुपए की शादी करते हैं और आपसे पूछा जाता है इनकम कितनी है तो आप कहते हैं जी मैं तो कमाता ही नहीं हूँ, 10 करोड़ रुपए की शादी करते हैं और आपकी बैलेंस शीट के अंदर कोई एसेट नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, नील बटा सन्नाटा हो रखा है, शादी आप 10 करोड़ की कर रहे हैं। अगर आप ऐसे खर्चे करते हैं जिन खर्चों को भी आप नहीं बताते हैं, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स, वो भी आपकी इनकम बन जाएंगे, वो भी आपकी इनकम बन जाएंगे।
सो एनी अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अगर आप कोई खर्चा करते हैं जिसके बारे में आप सरकार को नहीं बता रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको पकड़ लेता है, देन आपके ऊपर 78% का टैक्स लगा दिया जाएगा। पढ़िएगा इस बात को, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एसएससी ने कोई खर्चा इंकर किया है, एक्सपेंडिचर इंकर किया है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता वो उस खर्चे की, उस पैसे की, या एक्सप्लेनेशन तो देता है लेकिन असेसिंग ऑफिसर को अच्छी नहीं लगती है, तो असेसिंग ऑफिसर कैन ट्रीट सच एक्सपेंडिचर्स एज द इनकम ऑफ असेसी। असेसिंग ऑफिसर उस खर्चे को उसकी इनकम मान लेगा, उसकी इनकम मान लेगा, और सच एक्सपेंडिचर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर विच इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ एसएससी शैल नॉट अलाउ एज अ डिडक्शन अंडर एनी अदर हेड। जब एक खर्चे को आपकी इनकम बना देंगे, अनएक्सप्लेन्ड खर्चे को आपकी इनकम बना देंगे, तो उस इनकम के अगेंस्ट आपको कोई डिडक्शन भी नहीं देंगे। अब आप ये बोले कि डिडक्शन दे दो, तो सॉरी, डिडक्शंस भी आपको नहीं मिलेंगी उस इनकम के अगेंस्ट। मयूर पूछ रहे हैं सर 78% का बाइफरकेशन बता दो एक बार के लिए। एक बार के लिए नहीं मयूर, आप मेरे से क्लास में जितनी बार पूछेंगे मैं उतनी बार बताऊंगा। मैं कभी भी इन चीजों से इरिटेट नहीं होता कि आपने मेरे से एक क्वेरी 2 बार पूछी या 4 बार पूछी, बल्कि मुझे मजा आता है इस बात को कि मैं आपको चीजें समझा पाऊं, और जब तक आपको वो चीजें ना समझ आए तब तक मैं आपको चीजें समझाता रहूं। सुनिए 78% का क्या बाइफरकेशन है। अगर आपका 100 रुपए का इनकम पकड़ा जाता है तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा 60%। इसका मतलब 60 रुपए हो गया, आपकी 100 रुपए की इनकम पकड़ी गई है तो 60 रुपए आपका टैक्स हो गया। इस टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है 25% का। तो इसका मतलब 60 रुपए के ऊपर 25% का सरचार्ज आएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 60 का 25% 15 रुपए। क्लियर? टोटल कितना आ जाएगा 75 रुपए। अब 75 रुपए के ऊपर एजुकेशन सेस, हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया जाएगा एट द रेट ऑफ 4%। तो 75 का 4% कितना आएगा, 75 का 4% आ जाएगा सर 3 रुपए। तो इस तरह से आपका टैक्स कितना बन जाएगा, 78 रुपीज। अब मुझे बताइए, 100 रुपए के इनकम में 78 रुपए का टैक्स है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 78%। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो एक बार जोर से लिख देना यस। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे आते हैं इस कंसेप्ट के। आपने हुंडी सुनी होंगी, हुंडी, भिंडी नहीं, हुंडी, हुंडी, प्रोमिसरी नोट सुने हैं, पहले चला करते थे, एक बार बता देना प्लीज, मुझे पता चल जाएगा हाँ आपने सुना है। चंचल का क्वेश्चन है सर, फर्स्ट वाले पॉइंट में कैश डेबिट क्यों नहीं लिखा होता है। इसलिए नहीं लिखा होता क्योंकि जब आप डेबिट करते हैं ना, कैश कैश नहीं होता वो, बेसिकली कैश क्रेडिट होता है, और कैश क्रेडिट का मतलब होता है इनकम। अब इनकम क्या होगी, अकाउंटिंग आप सब पढ़ के आए हो, फाउंडेशन में भी, 11th 12th में भी, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। कैश क्रेडिट को आप वो कैश मत समझिएगा, इट इज नॉट अ कैश, इट इज नॉट अ कैश। कैश क्रेडिट मतलब इनकम, कैश क्रेडिट मतलब इनकम, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए वहां लिखा होता है इफ एनी फाउंड सम एज अ क्रेडिट। डेबिट क्यों नहीं होता, क्योंकि सर इनकम डेबिट तो मतलब खर्चा हो जाएगा ना। बोलो चंचल, समझ आया? चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोमिसरी नोट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, पुराने जमाने में हुंडी चला करती थी। हुंडी का मतलब एक नोट देता था एक आदमी
कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा और मैं नहीं दूंगा तो ये दे देगा, ऐसा हो जाएगा, और उस बंदे से जाके पैसे ले लेना। इस तरह के कुछ कंसेप्ट पुराने जमाने में चला करते थे, आज भी है, अनटैप्ड है, बहुत कम है लेकिन चल आज भी रहे हैं, कि फलाना बंदा फलाने व्यक्ति से किसी एक पर्टिकुलर डेट पर जाके पैसे ले लेगा और वो सारा पैसा ब्लैक का पैसा होगा, वो सारा पैसा ब्लैक का पैसा होगा। तो अगर आपके असस्सी के घर में, अगर असस्सी के घर में इनकम टैक्स रेड हुई, सर्च हुई और उसके घर में ऐसी हुंडियां पाई गई, अब आप कहेंगे सर ये तो 2500 रुपए की हुंडी है, केवल 2500 रुपए के लिए इतना बड़ा झगड़ा। अरे भाई अभी 2500 है, कभी कभी तो ये लाखों करोड़ों की भी हो जाएगी। तो अगर आपके असस्सी के घर में ये 2500 रुपए या इस तरह के अमाउंट की हुंडी पाई जाएगी, और अगेन वो उसका जवाब नहीं देगा ये हुंडी किसकी है, कहां से आई है, कब आई है, कौन इसका ओनर है, तो मान लिया जाएगा आप ही इसके ओनर हैं, मान लिया जाएगा आप ही इसके ओनर हैं। तो एनी अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, आपका 78% का टैक्स आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ये भी आपका अनएक्सप्लेन्ड, ये भी आपका अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और मनी है, इनकम है। देखिए क्या लिखा है, वेयर एनी मनी इज बोरोड ऑन हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज रिपेड अदर देन दो एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक के अलावा, मतलब हुंडी से आप पे कर रहे हैं, तो उस केस में हम उसे क्या मान लेंगे, उस केस में हम उसे क्या मान लेंगे, आपकी डीम्ड इनकम मान लेंगे। देन द ड्रॉन ऑन बैंक ऑन द अमाउंट सो बोरोड रिपेड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ पर्सन बोरोइंग और रिपेइंग द फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच अमाउंट वॉज बोरोड और रिपेड एज द केस मे बी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक बार हुंडी आपकी इनकम बन गई, अगर हुंडी आपकी इनकम बना दी गई है इस प्रोविजन के थ्रू, इस सेक्शन के थ्रू, तो जब वो हुंडी एक्चुअल में मैच्योर होगी, जब वो हुंडी एक्चुअल में मैच्योर होगी, उसे आपकी इनकम दोबारा नहीं बनाएंगे। भाई हमने एक बार आपकी इनकम बना दी ना, जब वो हुंडी पकड़ी गई है, अब जब वो हुंडी मैच्योर होगी 3 महीने 4 महीने 1 साल बाद, तो उसे आपकी इनकम दोबारा नहीं बनाएंगे, दो दो बार इनकम नहीं बनाएंगे, एक बार इनकम बना दी। तो जो सेकंड पैरा लिखा हुआ है, हाउ एवर वेयर एनी अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी हैज बीन डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ एनी पर्सन ही विल नॉट अगेन लाइबल टू बी असेस्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट ऑन रीपेमेंट ऑफ सच अमाउंट। तो जब वो मैच्योर हो जाएगी हुंडी, उसे आपकी इनकम का पार्ट दोबारा नहीं बनाया जाएगा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नहीं। तो दोस्तों ये हमने जो आपसे बात करी है, दैट इज दी अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम, जिसके अंदर मेनली 6 बातें कवर हुई हैं, 6 सेक्शन कवर हुए हैं। सेक्शन आपको याद करने हैं क्या? नहीं। पहला सेक्शन 68 है, 69 है, 69A है, उसके बाद 69B है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर 69C है, देन 69D है। ये आपको याद नहीं करने हैं, ये केवल मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बताई है। एक और छोटी सी बात है, आज की क्लास इसके बाद फिर ओवर कर देंगे हम, एक छोटी सी बात और समझते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। मत पढ़िएगा यहां से, यहां पर कुछ नहीं लिखा है, मेरे साथ आइएगा, मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंड ब्रॉड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना माइंड खोलना पड़ेगा, और मेरे साथ डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो बोलो आप कसम खाते हो कि जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वैसे वैसे आप अपनी उंगलियों की स्पीड बढ़ाते हुए मुझे आंसर दे दोगे? यस सर, हम सब कसम खाते हैं कि आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे, हम आपको आंसर देते चले जाएंगे, आपके क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही हम आपको आंसर दे देंगे, गारंटी है। चलो अगर इस बात की गारंटी है तो अब मेरे साथ आ जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, सबसे पहला पॉइंट, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में वो इनकम जो आपको रेगुलर बेसिस पर होती है, क्या उन्हीं इनकम पर इनकम टैक्स लगना चाहिए, या जो इनकम आपको कभी कभी होती है उस पर भी इनकम टैक्स लगना चाहिए? मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिए, आपके घर में पानी की टैप होती है,
आप पानी की टैप खोलते हैं, हमेशा पानी आता है। आपके घर में कभी कभी बारिश होती है, उसमें भी पानी आता है। तो जो पानी टोटी से निकला है, पानी की टंकी से निकला है, टैप से निकला है, क्या उस पानी पर टैक्स लगना चाहिए? या जो भगवान ने बारिश के थ्रू, बादलों के थ्रू पानी आपके घर पर बरसाया है, उस पर भी इनकम टैक्स लगना चाहिए? जवाब दीजिए मुझे इस बात का। जो आपको इनकम रेगुलर बेसिस पर रिसीव होती है, क्या वही इनकम टैक्स के दायरे में आनी चाहिए? या जो इनकम आपको कभी कभी बारिश की तरह से पड़ती है, कभी कभी साल में 1, 2, 4 बार, 5 बार, मुंबई वाले लोग परेशान ना हो, मुंबई में तो रेगुलर बेसिस पर होती है, मैं बात कर रहा हूं ऐसे दिल्ली जैसे शहरों की जहां पर कभी कभी होती है। तो आप बता दीजिए मुझे, रेगुलर इनकम पर टैक्स होना चाहिए या कभी कभी वाली इनकम पर टैक्स होना चाहिए? रेगुलर इनकम मस्ट बी टैक्सेबल और अ कैजुअल इनकम ऑल्सो शुड बी टैक्सेबल। जवाब नहीं आया अभी, सबने कसम खाई थी। हाँ हम कसम खाते हैं, आपको पूरा पूरा जवाब देंगे, किसी का जवाब नहीं आया। हाँ जी, लाइव स्टूडेंट एट होम क्या कर रहे हो? दोनों पे होनी चाहिए, दोनों पे होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बस यही बात तो आपको समझानी थी, आप समझ गए। सर ये इनकम भी टैक्सेबल होनी चाहिए और ये वाली इनकम भी टैक्सेबल होनी चाहिए, ये भी और ये भी। आइए जरा पढ़िए, पढ़िएगा मेरे साथ इस बात को। रेगुलरिटी ऑफ इनकम, इनकम कमिंग इन द इन विद सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी और एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी फ्रॉम डेफिनेट सोर्स, हाउ एवर दिस डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि इनकम विच डज नॉट अराइज रेगुलरली विल नॉट ट्रीटेड एज इनकम फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। जैसे कि आप कह सकते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अब लॉटरी कोई हर बार तो जीतता नहीं है, 10 बार हारता भी है तब 2 बार जीतता है, कभी कभी 10ों बार हार जाता है जीतता ही नहीं है, कभी कभी हो सकता है 10ों बार जीत जाता हो। तो इनकम टैक्स में आपको ये नहीं देखना कि ये इनकम रेगुलर आती है तभी इनकम टैक्स के दायरे में है। अरे भाई कभी कभी आती है इनकम, वो भी इनकम टैक्स के दायरे में है। एग्जाम्पल लेता हूं, और मैंने आपको आज ही की क्लास में बताया कि अगर आप अपनी कोई संपत्ति बेच देते हैं तो उस पर आपको इनकम होती है और वो कैपिटल गेन कहलाता है। अब संपत्ति आप कोई हमेशा थोड़ी बेचते हैं, बार बार थोड़ी बेचते हैं, रेगुलर थोड़ी बेचते हो, कभी कभी बेचते हो ना, इनकम होती है ना, टैक्स देते हो, देते हैं। सर सैलरी की इनकम रेगुलर आती है, हर महीने आती है, उस पर भी टैक्स देते हैं, यस। तो रेगुलर इनकम भी आपकी इनकम टैक्स में टैक्सेबल है, और जो कैजुअल इनकम है कभी कभी होती है, कभी कभी बारिश की तरह से, वो भी आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, फॉर्म ऑफ इनकम, आप पैसा कमाते हैं, आप इनकम कमाते हैं पैसे की फॉर्म में, आपको इनकम पैसे की फॉर्म में मिलती है, और कभी कभी आपको इनकम इन काइंड मिलती है। पैसा नहीं मिलता, सोना मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, शेयर मिल जाते हैं, बंगला मिल जाता है, इस तरह की आपको चीजें मिलती हैं, फ्रिज मिल जाता है, टीवी मिलता है, आपको पैसा नहीं मिलता। तो इनकम टैक्स में कौन सी इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए? पैसे वाली इनकम जो पैसे में मिली है, या जो बिना पैसे के मिली है वो भी टैक्सेबल हो जानी चाहिए? केवल वो इनकम जो पैसा 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 में मिली है, या इन काइंड वाली इनकम भी टैक्सेबल हो जानी चाहिए? बताइए फटाफट से। प्रीतल का आंसर है बोथ, दोनों टैक्सेबल होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, क्या ही समझाऊं आपको। देखिए फॉर्म ऑफ इनकम, द इनकम रिसीव्ड बाय द असेसी नीड नॉट टू बी इन द शेप ऑफ कैश। जरूरी नहीं है कि वो इनकम आपकी कैश की इनकम हो, जरूरी नहीं है कि वो इनकम आपकी कैश की इनकम हो। इट मे ऑल्सो बी अ सम अदर प्रॉपर्टी और राइट इन विच हैज मॉनिटरी वैल्यू। तो ऐसी कोई चीज जिसकी की मॉनिटरी वैल्यू है, ऐसी कोई चीज जिसकी की मॉनिटरी वैल्यू है, वो आपकी कवर हो जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। वेयर एवर इनकम इज रिसीव्ड इन काइंड लाइक अ परक्यूजिट एंड देयर वैल्यू हैज टू बी फाउंड एज पर द रूल प्रिस्क्राइब एंड वैल्यू शैल बी टेकन ऑन द टू बी द इनकम। अब सवाल ये आता है, सर
मेरे को अगर पैसा मिला है तो मेरे को पता है कितना मिला है। अब अगर मुझे पैसा ना मिलके किसी और फॉर्म में इनकम हुई है तो मैं कैसे पता लगाऊं कि कितना कितना अमाउंट ऑफ इनकम है मेरे लिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, गोल्ड मिला है ज्वेलर पे जाके उसकी वैल्यू लगवा लो, मार्केट वैल्यू ले लो। गाड़ी मिली है, मार्केट वैल्यू ले लो। आपको घर मिला है, मार्केट वैल्यू ले लो। आपको शेयर मिले हैं, मार्केट वैल्यू ले लो। आपको कोई और एसेट मिली है, मार्केट वैल्यू ले लो। मार्केट में सब कुछ पता चलता है। तो जितनी मार्केट वैल्यू उस पर्टिकुलर आइटम की, थिंग्स की रहेंगी, वो आपकी इनकम में हम जोड़ देंगे। और ये बात मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगा, इनकम अंडर हेड सैलरी में बहुत बार पढ़ाऊंगा, कैपिटल गेन में बहुत बार पढ़ाऊंगा, IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो बार बार पढ़ाऊंगा। वहां पर तो इतनी बार पढ़ेंगे कि अगर किसी चीज की वैल्यू ना पता चले तो चलो भैया मार्केट में चलते हैं, मार्केट में पूछेंगे क्या रेट है इसका, मार्केट हमें सब बता देगी। तो यहां पर आपको पैसा और इन काइंड, इसको हम कहते हैं इन काइंड, इन काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश, अदर देन कैश। तो ये दोनों ही इनकम आपके लिए टैक्सेबल होंगी, ये दोनों ही इनकम आपके लिए टैक्सेबल होंगी। नेक्स्ट देखिएगा, एक बंदा चोरी करने गया, एक बंदा रात को किसी के घर में चोरी करने गया और चोरी करके ऐसे झोला टांग के ला रहा है, उस झोले में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है। अगले दिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया और पुलिस वालों ने इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भी बुला लिया, आ जाओ भाई आज एक बैग मिला है और उस बैग में 10 करोड़ रुपए पाया गया है, और ये बैठा चोर जिसने पैसे चुराए थे कहां से, किसी के घर से या किसी के बैंक से। अब बताओ, इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है भाई 10 करोड़ रुपए तुम्हारे पास पकड़े गए हैं, 10 करोड़ रुपए की तुमने चोरी करी है, ये इनकम है तुम्हारी, चोर की इनकम है, चोर की इनकम बताई जा रही है असेसिंग ऑफिसर द्वारा। असेसिंग ऑफिसर कह रहा है भाई मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, पहले टैक्स देके जाओ इस पर 10 करोड़ पर, क्योंकि ये पैसा तुम्हारा है, ये इनकम तुम्हारी है। चोर क्या कहेगा, सर पैसा तो है इनकम तो है लेकिन ये चोरी की इनकम है, और इनकम टैक्स में चोरी की इनकम पर टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स में चोरी की इनकम पर टैक्स नहीं लगता, बताइए चोर की बात सही है या असेसिंग ऑफिसर की बात सही है। असेसिंग ऑफिसर कह रहे हैं अरे छोड़ो यार, चोरी का पैसा हो, इनकम तो इनकम होती है, चाहे चोरी की हो चाहे बिना चोरी की हो, लीगल हो या इलीगल हो, इनकम तो इनकम होती है। असेसिंग ऑफिसर ये कह रहा है, चोर कह रहा है नहीं साहब ये इलीगल इनकम है, चोरी का माल है, चोरी के पैसे पर इनकम टैक्स नहीं लगता। मुझे बताइए, मुझे बताइए, आप सभी लोग चोरी के पैसे पे इनकम टैक्स लगाओगे या नहीं लगाओगे, बता दो फटाफट से, चोरी के पैसे इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। भरत कह रहे हैं सर ऑफिसर सही है, चंचल कह रही है लगेगा, क्या लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, बिल्कुल सी सिंपल सी बात है भाई। माल चोरी का हो या ईमानदारी का हो, इलीगल हो या लीगल हो, इनकम टैक्स लीगल इलीगल में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। इनकम टैक्स तो कहता है भाई हम तो पैसे लेने बैठे हैं, चाहे तुम लीगल तरीके से कमा लो चाहे इलीगल तरह से कमा लो, हमें तो अपना इनकम टैक्स देते हुए जाना, हमें तो इनकम टैक्स चाहिए। क्लियर? अच्छा एक बात बताना, इनकम टैक्स देने के बाद क्या ये पैसा लीगल हो जाएगा, इनकम टैक्स देने के बाद क्या ये पैसा लीगल हो जाएगा, यस और नो, क्या इनकम टैक्स देने के बाद ये पैसा लीगल हो जाएगा? द आंसर इज नो। सर इनकम टैक्स दे देना मतलब पैसा लीगल हो जाना डज नॉट मीन, इनकम टैक्स अलग बात है और लीगल लीगैलिटी और इलीगैलिटी अलग बात है, ठीक है। चोर को सजा होगी अलग एक्ट में, इनकम टैक्स देगा वो अलग एक्ट में। अब वो कोर्ट में जाके ये थोड़ी कहेगा क्योंकि मैं इस पर इनकम टैक्स दे के आ चुका हूं तो ये मेरा पैसा लीगल कर दो और मुझे छोड़ दो। नो, देर आर टू सेपरेट थिंग्स, ठीक है। चोरी के केस में आपको सजा होगी और टैक्स आपको अलग से देना पड़ेगा। पढ़िएगा इसी बात को, इसी बात को पढ़ लीजिएगा एक बार, टेंड या इलीगल इनकम। सो इनकम इज इनकम, लॉ क्या कहता है भैया, इनकम तो इनकम ही है, पैसा तो पैसा ही है, दो टेंड हो इलीगल हो, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लीगल एंड टेंड इनकम, इवन इलीगल इनकम इज टैक्स जस्ट लाइक अ लीगल इनकम। तो इलीगल इनकम को भी वैसे ही टैक्स करेंगे जैसे लीगल इनकम होती है। अब कोई ड्रग्स का धंधा करता है, ड्रग्स का बिजनेस करता है, छापा पड़ गया ड्रग्स का, नार्कोटिक्स जो कमेटी है एनसीबी, उसका छापा पड़ गया और
ड्रग्स पकड़ा गया, उससे इनकम पकड़ी गई, तो उस इनकम पे क्या टैक्स नहीं लगा होगा? ये कहते हुए कि अरे भाई ये तो ड्रग्स का पैसा है, इस पैसे को तो छूना भी पाप है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं भाई हम इतने, हमने खुद इतने पाप कर रखे हैं कि हमारे पास अब ये पाप वाप सब बेकार की बात है, हम किसी भी पैसे को छुएंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे, ये बातें हमारे से हमारे सामने नहीं चलेंगी। तो इनकम इलीगल है, लीगल है, इनकम टैक्स कहता है सब इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ले आओ पैसा, सब हजम है हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वो लोगों की लड़ाई चल रही है कि ये इनकम मेरी होगी या तुम्हारी होगी, मेरी होगी तुम्हारी होगी, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये इनकम मेरी है या मेरी है, एक कह रहा है ये इनकम मेरी है, दूसरा कह रहा है मेरी है। अब दोनों के आपस के झगड़ों में डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है इनकम किसकी है, किसके हाथ में टैक्स करोगे, दोनों के झगड़ों में डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इनकम किसकी है, ए की है या बी की है। सामने इनकम टैक्स ऑफिसर खड़ा है, दोनों का झगड़ा देख रहा है, किसकी इनकम मानेगा, ए की या बी की? ए और बी का झगड़ा चल रहा है, ए कह रहा है मेरी इनकम है, बी कह रहा है नहीं ये मेरी इनकम है। दोनों पहलवान हैं, दोनों बलवान हैं, दोनों के आपस के दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा। सामने इनकम टैक्स ऑफिसर, आप खड़े हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो आप, आपको फैसला करना है ये इनकम ए की होगी या इनकम बी की होगी, किसके हाथ में फैसला दोगे, बोलो किसके हाथ से टैक्स लोगे, ए से या बी से? ये है ए, ये खड़ा है ए, ये है बी, दोनों में झगड़ा है। भरत कह रहे हैं 50-50 कर देंगे, प्रीतल कह रही है दोनों को 50% कर देंगे, मयूर कह रहे हैं दोनों से ले लेंगे, चंचल का आंसर है आधा आधा कर देंगे। आप सभी का आंसर गलत है, आप सभी का आंसर गलत है। ए और बी के झगड़े में एक ऐसा लेवल आएगा, एक ऐसा लेवल आएगा जब या तो ए बी को मार देगा या बी ए को मार देगा, और अल्टीमेटली जिसके हाथ में पैसा आ जाएगा, अल्टीमेटली जिसके हाथ में पैसा आ जाएगा, इनकम टैक्स उसका गला पकड़ लेगा। इनकम टैक्स कहेगा तुम्हारे हाथ में पैसा आ गया है, मैं तो तुम्हारे से टैक्स लेने की बातें करूंगा। क्लियर? तो इनकम टैक्स ये कहता है अगर इनकम डिस्प्यूटेड है, अगर इनकम डिस्प्यूटेड है तो जिसके हाथ में पैसा आएगा, जो रिसीव करेगा पैसा, वो हमारे लिए इनकम टैक्स देगा, वो हमें इनकम टैक्स देके जाएगा। तो आधा आधा नहीं करेंगे मेरे दोस्त, जिसके हाथ में पैसा आएगा, ये देखो पैसा आ गया ना, ये उड़ते हुए पैसे, उड़ते हुए पैसे सब किसके हाथ में पहुंच गए हैं, इसके हाथ में, तो ये यहां पर टैक्स देगा। याद है आपको बचपन में आप पढ़ते थे दो बिल्ली सॉरी दो बंदर और एक बिल्ली की लड़ाई, या दो बिल्ली एक बंदर की, दो बिल्ली नहीं दो बंदर एक बिल्ली थी, तो क्या होता था, एक बंदर ने रोटी कम ली ज्यादा ली और बिल्ली उसको बराबर करते करते पूरी रोटी खा गई, तो ना तो ए से टैक्स लिया जाएगा ना बी से टैक्स लिया जाएगा, ऐसे में तो एक तीसरा ही व्यक्ति जो पैसे रिसीव करके ले जाएगा उन दोनों की लड़ाई में, उससे टैक्स ले लिया जाएगा। क्लियर? ना ए से ना बी से, जो रिसीव करेगा उससे, अगर ए ने रिसीव कर लिया ए, बी ने कर लिया बी, अगर दोनों मर गए तो सी आएगा कहानी में, सी पैसे रिसीव करेगा, ये सी है, ये सी है, और ये पैसे उड़ा के ले जाएगा और इनकम टैक्स भी इसी को पकड़ लेगा। इनकम टैक्स कहेगा अच्छा तुमने पैसे लिए हैं, मैं तुम्हारे से टैक्स लूंगा। बोलो समझ आती हैं इतनी बातें, क्लियर है हम यहां तक? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा इस बात को पहले एक बार, डिस्प्यूटेड इनकम को। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ इनकम कैन नॉट होल्ड अप टू द असेसमेंट अप द असेसमेंट फॉर द इनकम इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट सो द रेसिपिएंट इज देयर फॉर चार्जेबल टू टैक्स दो देयर मे बी राइवल क्लेम टू द सोर्स ऑफ इनकम। देखो सी पैसे ले गया, ये पैसे सी के नहीं थे, इस बात का झगड़ा कोर्ट में चलता रहेगा। सी पैसे ले गया, ये पैसे सी के नहीं थे, इस बात का झगड़ा कोर्ट में सेटल करेंगे। लेकिन इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं भैया कोर्ट में तुम आपस में करते रहना, फिलहाल तो मुझे मेरा टैक्स दे दो। कौन? जिसके हाथ में पैसा आया है, जिसके हाथ में पैसा आया है वो हमें टैक्स दे दो। आपस में झगड़ते रहना, कोर्ट में फैसले करते रहना, 20-20 साल लग जाएंगे तुम्हें कोर्ट में,
ये फैसला ना हो पाएगा कि ये पैसे किसके थे। हम 20 साल इंतजार नहीं करेंगे, हमें तो आज पैसे दे दो। हमारी उम्र 20 साल की कहाँ है, हम तो नौकरी से रिटायर होके चले जाएंगे, इसलिए हमें पैसा आज दे जाओ। ठीक है, समझ आती है बात। आगे चलते हैं। आपको गिफ्ट मिलते हैं, आपको गिफ्ट मिलते हैं, कभी कभी आपको गाड़ी गिफ्ट मिलती है, कभी कभी आपको ऐसे पैसे मिलते हैं, डॉलर्स, रुपया, गड्डियां, 500 की, 2000 की, कभी कभी आपको ऐसे डब्बों में गिफ्ट मिलते हैं। क्या ये वाले गिफ्ट टैक्सेबल होंगे? क्या कैश वाले गिफ्ट टैक्सेबल होंगे? क्या ये डब्बों वाले गिफ्ट भी टैक्सेबल होंगे? सबसे पहले मुझे बताइएगा यस और नो, क्या गाड़ी आपको गिफ्ट मिलेगी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? गाड़ी आपको गिफ्ट मिली टैक्सेबल है, ऑल टैक्सेबल। आप सभी सही कह रहे हैं, इस बार सबने यस कर दिया, ऑल टैक्सेबल। हाँ जी, चलिए ये भी टैक्सेबल होगा, पहला ऑप्शन भी टैक्सेबल होगा, दूसरा ऑप्शन भी टैक्सेबल होगा। गाइस 1 मिनट, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, तो ये भी टैक्सेबल होगा, दूसरा वाला ऑप्शन अभी भी इशू है, जस्ट होल्ड ऑन। I don't know what is the issue. चलिए, हाँ, तो पहला ऑप्शन भी आपके लिए टैक्सेबल होगा, दूसरा ऑप्शन भी आपके लिए टैक्सेबल होगा, और तीसरा ऑप्शन भी आपके लिए टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स ये नहीं कहता कि जब आपको पैसा मिलेगा तभी टैक्स करेंगे। इनकम टैक्स कहता है चाहे पैसा मिले, चाहे पैसे के अलावा कुछ और चीज मिले, हम आपको इनकम टैक्स कर देंगे। लेकिन सवाल ये आता है, सर पैसा मिला तो आपको पता चल गया कि इतना कितना पैसा मिला, गाड़ी को कैसे टैक्स करोगे? मैंने आप अभी आपको बताया, मार्केट वैल्यू ले लेंगे जाके गाड़ी की। सर ये डब्बे जो मिले हैं इसको कैसे करोगे? अरे इन डब्बों के अंदर कुछ तो होगा, इन डब्बों के अंदर कुछ तो होगा ना, तो जो कुछ सामान होगा उस सामान की मार्केट वैल्यू ले आएंगे जाके, उसके बेसिस पे इसको टैक्स कर देंगे। क्वेश्चन है यहां पर मयूर का, लेकिन सर कुछ ईयर बाद सी ने ए या बी में से किसी एक को अमाउंट दे दिया, तो उस ईयर में वापस ए और बी को टैक्स भरना होगा एज ए इनकम? द आंसर इज यस, उस केस में उसे एज ए इनकम टैक्स नहीं पे करना होगा, क्योंकि सरकार को तो टैक्स उसका मिल चुका है। इनकम बन जाएगी ए की, लेकिन इनकम टैक्स नहीं जाएगा, क्योंकि उस इनकम पर तो सरकार ऑलरेडी एक बार टैक्स ले चुकी है, दो बार थोड़ी लेगी। ठीक है, तो यहां पर मयूर आपका क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, जब ए सॉरी सी ए को वापस करेगा या बी को वापस करेगा, वो इनकम बनेगी ए और बी की, ए या बी की, बट सरकार टैक्स मांगने नहीं आएगी, बिकॉज सरकार ऑलरेडी उस इनकम पर टैक्स ले चुकी है। दूसरा केस बताइएगा, नहीं पहले इस बात को पढ़ लीजिएगा, गिफ्ट को बुक पे आके वापस, गिफ्ट, पर्सनल गिफ्ट, यहाँ पॉइंट नंबर 7 पढ़िएगा। सो गिफ्ट रिसीव बाय अ पर्सन ऑन द ओकेजन लाइक बर्थडे, मैरिज, फेस्टिवल एक्सेट्रा शुड नॉट ऑर्डिनरली बी द इनकम ऑफ एसएससी एंड देयरफॉर कैन नॉट बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट एज इनकम। लॉ ये कहता है कि अगर आपको बर्थडे, मैरिज वगैरह पे गिफ्ट मिलते हैं, वो इनकम आपकी नहीं बनेगी। लेकिन इस आगे लाइन पढ़ना, हाउ एवर गिफ्ट ऑफ मनी और गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव बाय अ पर्सन फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज इनकम इफ इट इज रिसीव्ड बाय इन एक्सेस ऑफ ₹50,000। ये पूरा आपको, ये पूरा वाला पैराग्राफ जो पूरी बात लिखी है यहाँ पर, ये मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। वहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि
कि कब आपको गिफ्ट मिलता है टैक्सेबल होता है, कब आपको गिफ्ट मिलता है टैक्सेबल नहीं होता है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, शादी में गिफ्ट मिला टैक्सेबल नहीं होगा, बर्थडे में गिफ्ट मिलेगा टैक्सेबल कर देंगे, 50,000 से कम का गिफ्ट मिलेगा टैक्सेबल नहीं करेंगे, 50 से ज्यादा का गिफ्ट मिलेगा टैक्सेबल कर देंगे। तो इसको डिटेल में समझेंगे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बट आज के लिए आपके लिए इतना था कि अगर आपको गिफ्ट मिला है तो आपको इस पर टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। आपको लमसम अमाउंट मिला, लमसम अमाउंट, लमसम लमसम का मतलब एक मुश्त पैसा मिला। आप नौकरी करते थे, नौकरी से मन भर गया, आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, हिमालय की वादियों में जाके अपना गुजर बसर करना चाहता हूँ, अब रिटायरमेंट लेने जा रहा हूं तो मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट दे दो। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब मुझे मेरा पेंशन फंड दे दो, मुझे मेरा रिटायरमेंट का ग्रेच्युटी दे दो, मुझे मेरे रिटायरमेंट्स के फंड्स दे दो, मेरा ESIPF दे दो, मेरा ग्रेच्युटी फंड्स, GSPS दे दो। ये सारे फंड्स एक मुश्त आपको मिले, एक मुश्त आपको मिले, एक बार में मिले, ऐसे झोला भर के मिले, और आप ये झोला भर के हिमालय की तरफ जा रहे थे, पीछे से इनकम टैक्स ऑफिसर आया, इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछा ये पैसा लेके जा रहे हो, ये पैसा आपकी इनकम है? आपने कहा नहीं है, मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये मुझे रेगुलर नहीं हुई थी, क्योंकि ये मुझे टुकड़ों में नहीं मिली थी, ये तो मुझे एक बार थैला भर के मिली है, एक मुश्त मिली है, इसलिए मैं इस पर इनकम टैक्स नहीं दूंगा। असेसिंग ऑफिसर क्या कहेगा? इस पर भी इनकम टैक्स लगेगा। क्या बोलेगा? इस पर भी इनकम टैक्स लगेगा। देयर इज नो मैटर कि आपको थैला भर के मिला है या बार बार मिला है, आपको पैसा तो मिला है, ये भी आपकी इनकम है, तो ये भी आपकी इनकम बना दी जाएगी। तो अगर आपको थैला भर के भी पैसा मिल जाता है, अगर आपको थैला भर के भी पैसा मिल जाता है, तो ये आपकी इनकम बन जाएगी, इस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये लीजिए इनकम टैक्स के दायरे में आ गई, और ये मेरा पेन भी ठीक हो गया अचानक से, तो इनकम टैक्स में आ जाएगी और इस पर भी इनकम टैक्स लग जाएगा। क्लियर? देखिएगा बुक में क्या लिखा हुआ है, लमसम रिसीप्ट। इफ अ रिसीप्ट इज एन इनकम, देन वेदर इट इज रिसीव्ड इन लमसम और इन अ इंस्टॉलमेंट वुड नॉट अफेक्ट इट्स टैक्स लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन रिसीव अरियर ऑफ सैलरी इन अ लमसम अमाउंट, देन इट वुड स्टिल बी इनकम। तो आपको पैसा एक बार में मिल रहा है या आपको पैसा टुकड़ों में मिल रहा है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्त, आपकी इनकम मानी जाएगी। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है? यूट्यूब स्टूडेंट्स, नहीं कोई डाउट किसी को भी? लाइव एट होम वाले, कोई डाउट नहीं है? आइएगा, एक आदमी क्या करता है, अपनी एक जेब से पैसे निकालता है, पॉकेट नहीं है, मान लीजिए अपनी पैंट की एक पॉकेट से पैसे निकालता है और अपनी दूसरी ही पॉकेट में पैसे डाल देता है। एक आदमी अपनी पैंट की एक पॉकेट से पैसे निकालता है, शर्ट की एक पॉकेट से पैसे निकालता है और अपने पैंट की या शर्ट की पॉकेट में पैसे दूसरी पॉकेट में पैसे डाल देता है, क्या ये उसकी इनकम है? क्या ये उसकी इनकम है? यस और नो? नो, ये उसकी इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? सर, एक आदमी अपने आप को ही पैसे दे के इनकम थोड़ी कमा सकता है। इनकम मस्ट बी कम फ्रॉम आउटसाइडर। इनकम कहां से आनी चाहिए? दूसरे व्यक्ति की तरफ से। आप फीस देते हैं, मेरी इनकम है, आप फीस देते हैं, मेरी इनकम है, और मैं उसी पैसे को अपने बैंक में डाल देता हूं। बैंक में तो खैर आते ही हैं, चलो कैश निकाल के अपनी जेब में रख लेता हूं, क्या मेरी इनकम है? नो। एक आदमी इनकम दूसरे से ही कमाता है, अपने आप से इनकम नहीं कमाता। क्लियर? तो इनकम मस्ट बी कम फ्रॉम आउटसाइड। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो अपने आप को ही आप दे रहे हैं, तो वो आपकी इनकम नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, फटाफट से बताइएगा। मैं बिजनेस करता हूं, प्रोप्राइटर हूं, प्रोप्राइटर वर्ड आप सभी ने सुना होगा आई बिलीव। मैं बिजनेस करता हूं, प्रोप्राइटर हूं, मैं जिस बिल्डिंग में अपना बिजनेस चलाता हूं, उस बिल्डिंग का रेंट मैं अपने आप को ही पे करता हूं। मैं जिस बिल्डिंग में बिजनेस चलाता हूं, उस बिल्डिंग का रेंट मैं अपने आप को ही पे करता हूं, क्या ये मेरी इनकम है?
क्या ये मेरी इनकम है? नहीं है, वेरी सिंपल, नहीं है। क्यों नहीं है सर? एक आदमी अपने आप को ही रेंट कैसे पे करेगा? प्रोपराइटर और बिजनेसमैन, प्रोपराइटर और बिजनेस एक ही होते हैं, ये बात तो आप पढ़ते आए हैं। हाँ, अकाउंटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस को बिजनेस के ओनर से अलग मानना चाहिए। अरे भाई, अकाउंटिंग कहती है, इनकम टैक्स नहीं कहता। अकाउंटिंग कहती है अलग है, इनकम टैक्स कहता है भाई साहब हमारे से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, आप और बिजनेस एक ही हो, अलग अलग नहीं हो। ठीक है, चल सकते हैं आगे, पढ़िएगा बुक को। बुक में इस बात को क्या लिखा हुआ है? इनकम मस्ट बी फ्रॉम आउटसाइडर। इनकम कहां से आनी चाहिए? बाहर से आनी चाहिए, घर से। घर का मतलब खुद से नहीं आनी चाहिए। अ पर्सन कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ। एक व्यक्ति अपने आप से इनकम नहीं कमा सकता। इन केस ऑफ म्यूचुअल एक्टिविटीज वेयर सम पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉमन फंड एंड आर एंटाइटल टू पार्टिसिपेट इन द फंड एंड अ सरप्लस अराइजेस विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द फंड, सच सरप्लस कैन नॉट बी कॉल्ड इनकम। चार लोग मिले हैं, चार लोग मिले हैं, आपस में मिलके फंड डाला और उसी फंड को मिला जुला के घुमा घुमा के बड़ा बना दिया और आपस में फिर बांट के ले गए। अब कह रहे हैं जी ये आपकी इनकम है। नो, ये तो आप ही का पैसा था, जिसको आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहते हैं। जब आप कहीं कैपिटल देते हैं और कैपिटल वापस लेते हैं तो क्या वो आपकी इनकम बनती है? नहीं सर, वो तो आप ही का पैसा था। तो एक आदमी अपने आप से इनकम नहीं कमा सकता, इनकम कमाने के लिए उसका पैसा बढ़ना चाहिए। पैसा बढ़ने का मतलब या तो रेवेन्यू आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, ऐसा कुछ आएगा तो वो इनकम उसकी मानी जाएगी। बचपन से आपने सुना होगा, व्हेन आई से बचपन मतलब 11th 12th से, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट होती है। रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब जो पैसा बार 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 आपको मिलता है, कैपिटल रिसीप्ट मतलब जो पैसा कभी 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 आपको मिलता है। तो मुझे बताइए क्या इनकम टैक्स में रेवेन्यू रिसीप्ट टैक्सेबल होती हैं या कैपिटल रिसीप्ट ही टैक्सेबल होती हैं? क्या इनकम टैक्स में रेवेन्यू रिसीप्ट टैक्सेबल होती हैं या कैपिटल रिसीप्ट भी टैक्सेबल होती है? इन द इनकम टैक्स ओनली द रेवेन्यू रिसीप्ट आर टैक्सेबल या फिर कैपिटल रिसीप्ट भी टैक्सेबल होती हैं? मयूर कह रहे हैं ओनली रेवेन्यू रिसीप्ट आर टैक्सेबल। आंचल, बोथ आर टैक्सेबल। मयूर, आपका आंसर गलत है, मैं आपको समझाता हूं क्यों आप गलत हो। आपको सैलरी मिलती है, इट इज योर रेवेन्यू रिसीप्ट। आप बिजनेस करते हैं, इट इज योर रेवेन्यू रिसीप्ट। आप घर बेच देते हैं, अपनी कोई कैपिटल एसेट बेच देते हैं, इट इज योर कैपिटल रिसीप्ट। आप घर बार बार थोड़ी बेचते हैं, कभी कभी बेचते हैं। इनकम टैक्स में इसको भी टैक्सेबल रखा गया है, इनकम टैक्स में इसको भी टैक्सेबल माना गया है, इनकम टैक्स में इसको भी टैक्सेबल माना गया है और इनकम टैक्स में इसको भी टैक्सेबल माना गया है। तो जब ये तीनों ही टैक्सेबल हैं तो इसका क्या मतलब है कि इनकम टैक्स में रेवेन्यू रिसीप्ट भी टैक्सेबल हो जाती हैं और कैपिटल रिसीप्ट भी टैक्सेबल होती हैं मयूर, होती है। ठीक है, तो यहां पर रेवेन्यू रिसीप्ट हो या कैपिटल रिसीप्ट हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा। सेक्शन 4 इनकम टैक्स का ये कहता है कि आपकी टोटल इनकम पर टैक्स करेंगे, चाहे वो रेवेन्यू रिसीप्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू रिसीप्ट हो या वो कैपिटल रिसीप्ट हो, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, हाउएवर कुछ कैपिटल रिसीप्ट इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट है, कुछ कैपिटल रिसीप्ट इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट है। वो बात आप आज नहीं पढ़ोगे, ओवर द जर्नी ऑफ द एंटायर कोर्स मैं आपको बार बार कई जगह पर दिखाऊंगा कि ये देखो ये वाली कैपिटल रिसीप्ट एग्जेम्प्ट है, ये वाली कैपिटल रिसीप्ट एग्जेम्प्ट है। इसलिए क्या लिखा है इन्होंने, यहां देखिएगा, कैपिटल रिसीप्ट आर नॉर्मली एग्जेम्प्ट, नॉर्मली एग्जेम्प्ट होती हैं, लेकिन हाउएवर सर्टेन कैपिटल रिसीप्ट्स हैव बीन स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम। कुछ कैपिटल रिसीप्ट ऐसी हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में
आई है, स्पेसिफिकली आई है, कहकर आई है, लिखकर आई है, जैसे कि सेल ऑफ कैपिटल एसेट। इससे जो आपको इनकम होगी वो आपकी टैक्सेबल है, ये स्पेसिफिकली कहकर टैक्सेबल है, ये स्पेसिफिकली कहकर टैक्सेबल है। एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताना चाहूंगा, आपके जो मैंने पांच हेड्स बताए थे, पहला हेड था सैलरी, दूसरा हेड था हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरा हेड था टीजीबीपी, चौथा हेड था कैपिटल गेन, और पांचवा हेड था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जो मैं अब कहने जा रहा हूं। नेचर, सैलरी से जब आपको पैसा मिलता है ये रेवेन्यू नेचर का होता है, इसका रेवेन्यू नेचर होता है। क्या कोई है जो ये कहेगा सैलरी से पैसा मिलता है और वो कैपिटल नेचर का होता है? क्या कोई इस बात को कहेगा? नहीं कहेगा। हाउस प्रॉपर्टी से जो आपको पैसा मिलता है, मतलब किराया, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, किराया, रेंट, ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का नहीं होता। पीजीबीपी से जो आप इनकम कमाते हैं वो भी आपकी रेवेन्यू नेचर की होती है, कैपिटल नेचर की नहीं होती। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो आप पैसा कमाते हैं ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का नहीं होता। हाँ, कैपिटल का भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, बट जनरली रेवेन्यू नेचर का होता है। लेकिन कैपिटल गेन से जो आप इनकम कमाते हैं ना मेरे दोस्तों, वो केवल और केवल कैपिटल नेचर का होता है, ये केवल कैपिटल नेचर का होता है। इसमें आपको रेवेन्यू नेचर नहीं दिखाई देता। आप मकान बार बार नहीं बेचते हैं, आप मकान बार बार नहीं बेचते हैं, आप अपना सोना चांदी बार बार नहीं बेचते हैं, इसलिए कैपिटल नेचर का है, कभी कभी इनकर होता है, कभी कभी। अब आपका एक सवाल आएगा, सर अगर मैं सोना बेचने का काम कर लूं, मैं सोना बेचने का ही काम कर लूं, डेली बेचूं, सुबह बेचूं, दोपहर बेचूं, शाम बेचूं, अगले दिन बेचूं, फिर बेचूं, बेचता ही रहूं, सोना ही बेचूं, खरीदू बेचूं, खरीदू बेचूं, तो मेरे लिए रेवेन्यू नेचर हो जाएगा? यस और नो? हो जाएगा, लेकिन तब वो आपके लिए कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा, फिर वो आपके लिए पीजीबीपी कहलाएगा। इस बात को क्या आप समझ पाए हैं, या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? एक आदमी सोना बेचने का काम करता है, एक आदमी सोना बेचने का ही काम करता है, तो इसका मतलब वो सोना बेच के जो इनकम कमाएगा वो कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा, वो उसका बिजनेस कहलाएगा, वो उसका बिजनेस कहलाएगा, वो बिजनेस कर रहा है, ज्वेलर है वो। और अगर एक आदमी कभी कभी अपना सोना बेचता है, जो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए घर में रखा हुआ था उसको बेचता है, तो वो उसके लिए कैपिटल नेचर कहलाएगा, और वहां पर जो इनकम आएगी वो कैपिटल गेन की इनकम बन जाएगी, वहां पर जो इनकम आएगी वो उसकी कैपिटल गेन की इनकम बन जाएगी। लेकिन अगर वो अपनी दुकान खोल लेता है, बिजनेस बना देता है उसे, तो वही सोना जो उसको इनकम देके लाके देगा वो उसके लिए बिजनेस इनकम कहलाएगी, फिर वो उसके लिए कैपिटल गेन की इनकम नहीं कहलाएगी। क्लियर? एक आदमी ने अपना घर बेच दिया, एक आदमी ने अपना घर बेच दिया, जो पैसा मिला वो कैपिटल गेन है, वो कैपिटल नेचर का अमाउंट है। लेकिन एक आदमी घर बना के बेचने का काम करता है, बिल्डर है वो, बिल्डर है, घर बनाता है बेचता है, बनाता है बेचता है, बनाता है बेचता है, तो उसके लिए फिर वो कैपिटल नेचर का अमाउंट नहीं होगा, वो उसके लिए बिजनेस बन जाएगा और वो उसके लिए रेवेन्यू नेचर का अमाउंट कहलाएगा। मेरी बात आपको समझ आई या नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आ गई, चलिए, वेरी गुड। एक छोटी सी बात और समझिएगा, मैंने ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया है, ये भी मैंने कर लिया है, लमसम भी कर लिया, गिफ्ट भी कर लिया, और 1 2 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया। एक छोटी सी बात और समझिएगा, और मैं आपसे आंसर मांगूंगा, पहले मेरी बात को, मेरा क्वेश्चन पूरा सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आपने इनकम अकाउंटेंसी में पढ़ी होंगी, क्या होती है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज? सर ऐसी कोई लाइबिलिटी जो किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड होती है। अगर ये इवेंट होगा या अगर ये इवेंट नहीं होगा,
मेरी ये लाइबिलिटी अराइज होगी। ऐसी लाइबिलिटीज को आप क्या कहते हैं? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। मेरा आपसे ये सवाल, अगर ऐसी इनकम बन, अगर आपकी ऐसी कोई इनकम आ जाए विच इज कॉन्टिंजेंट इनकम, कि अगर ऐसा होगा तो आपकी इनकम होगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी इनकम होगी, मतलब किसी इवेंट के होने या ना होने पर आपकी इनकम जनरेट होगी, क्या उस कॉन्टिंजेंट इनकम को आज इनकम मानते हुए इनकम टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या उस इनकम को जो फ्यूचर के किसी एक इवेंट पर डिपेंड है, क्या उस इनकम पर आपको इनकम टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए, सोच रहे हैं। चंचल कह रहे हैं ऊपर से चलते हैं, मयूर कह रहे हैं देना चाहिए। नहीं मयूर, गलत कह रहे हो आप, मुझे पता थोड़ी है वो मेरी इनकम होगी। एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। अगर एक हफ्ते बाद शेयर मार्केट 30,000 पार हो जाएगी तो मयूर मुझे 1,000 रुपये देगा। अगर शेयर मार्केट 30,000 रुपये पार हो जाएगी तो मयूर मुझे 1,000 रुपये देगा। असिस्टिंग ऑफिसर खड़ा सुन रहा था ये बात। असिस्टिंग ऑफिसर ने कहा, विकास जी, विकास जी, 1,000 रुपये आपकी इनकम हो गई है, टैक्स दे दो। अब विकास जी क्या जवाब देंगे? अरे सर, मेरी इनकम तो तब होगी ना जब 30,000 पार पहुंचेगा। क्या पता ना पहुंचा, क्या पता पहुंचा, क्या पता ना पहुंचा। तो जब हो जाए तब इनकम टैक्स लेने आ जाना, मैं अभी क्यों दूं? मेरी इनकम कब होगी? जब 30,000 पार पहुंचेगा, क्या पता ना पहुंचा, और क्या पता पहुंच भी जाए। तो अभी क्यों टैक्स मांग रहे हो? जब इनकम होगी तब लेने आ जाना ना, मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं। क्लियर है मयूर? प्रीथल का आंसर है, अभी नहीं देना चाहिए, जब वो इवेंट होगा तभी देना चाहिए। यस प्रीथल, बिल्कुल सही। इवेंट हो सकता है फेवर में हो, इवेंट हो सकता है अनफेवर में हो, तो जब डिसाइड होगा तभी तो इनकम टैक्स दोगे, पहले से थोड़ी दे दोगे। क्या पता एक तरफ तो मैं इनकम टैक्स दे दूं सरकार को और दूसरी तरफ वो 30,000 पार हो ही ना शेयर बाजार, तो मयूर मुझे पैसे देगा नहीं, मेरी जेब से टैक्स और चला जाएगा। क्लियर? पढ़िएगा पॉइंट नंबर 5। कॉन्टिंजेंट इनकम इज नॉट अ इनकम। कॉन्टिंजेंट इनकम आपकी इनकम नहीं है, नहीं है। अनटिल द कंटिंजेंसी हैज हैपेंड, इट कैन नॉट बी पोस्टुलेटेड दैट इनकम एज अक्रूड और हैज अराइजन टू द असेसी। तो जब तक वो घटना घटित ना हो जाए, जब तक वो घटना घटित ना हो जाए, वो इनकम आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। क्लियर है हम यहां तक? कोई डाउट है किसी को? नहीं। एक और पॉइंट समझ लीजिएगा जाते जाते, एक और छोटा सा पॉइंट समझिएगा। मेरे को इनकम हो गई बट वो इनकम रिसीव नहीं हुई है। इनकम तो हो गई है ऑन द ड्यू बेसिस बट इनकम रिसीव नहीं हुई है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इनकम तो मेरे को हो चुकी है बट वो इनकम मुझे रिसीव नहीं हुई है, क्या मुझे उस इनकम पर इनकम टैक्स देना चाहिए? बस आज की लास्ट बात है, इसके बाद क्लास ओवर। मुझे इनकम हो गई है लेकिन वो इनकम रिसीव नहीं हुई है, क्या मुझे इनकम टैक्स देना चाहिए? यस और नो? गलत जवाब दे रहे हैं सब, गलत जवाब दे रहे हैं, सबका गलत जवाब है। प्रीथल कह रही है नो। प्रीथल आपका भी आंसर गलत है, जितने कह रहे हैं यस उनका भी आंसर गलत है, और जितने कह रहे हैं नो उनका भी आंसर गलत है। अब सर बीच का क्या ऑप्शन होगा? यस और नो के बीच में कोई ऑप्शन होता नहीं, तो मेरी बात सुनिएगा। एक वर्ड आपने बचपन में पढ़ा होगा, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। बचपन का मतलब 11th 12th या फाउंडेशन। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, आपके पास दो मेथड होते हैं, एक कैश बेसिस और एक अक्रूअल बेसिस।
अगर आप कैश बेसिस मेंटेन करते हैं अपनी अकाउंटिंग, अगर आप अपनी अकाउंटिंग कैश बेसिस पर चलाते हैं, इनकम टैक्स भी उसको कैश बेसिस पर अलाउ करता है। इनकम टैक्स कहता है अगर आप अपनी कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं, कैश बेसिस पे आप अपना बिजनेस करते हैं, कैश बेसिस पे आप अपना काम करते हैं, तो आपके लिए कोई भी खर्चा तब खर्चा माना जाएगा जब आप उसे एक्चुअली पे कर देंगे, और कोई भी इनकम आपके लिए तब इनकम मानी जाएगी जब आप एक्चुअली उसको रिसीव कर लेंगे। आर यू एग्री विद माई ओपिनियन और पॉइंट और नॉट? क्या आप सभी इस बात से सहमत करते हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या सिखाती है आपको अकाउंटिंग के अंदर, कि जब आप एक्चुअली में उसकी पेमेंट करेंगे तो आपका खर्चा बनेगा, और जब आप एक्चुअली में उसको रिसीव कर लेंगे तब वो आपकी इनकम बनेगी। यस और नो? यस और नो? यस। अब मैं आपसे फिर से सवाल पूछ रहा हूं। मैं कैश बेसिस की अकाउंटिंग चलाता हूं, मैं कैश बेसिस की अकाउंटिंग करता हूं, और मुझे इनकम रिसीव नहीं हुई है, केवल ड्यू हुई है, क्या वो मेरी इनकम बन जाएगी? मैं कैश बेसिस की अकाउंटिंग करता हूं, मेरा कैश बेसिस की अकाउंटिंग पे बिजनेस है, मेरी इनकम ड्यू तो हो गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, वेदर दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम और नॉट? वो मेरी इनकम नहीं मानी जाएगी, वो मेरी इनकम नहीं मानी जाएगी। यहां लिखिएगा, इन दिस केस इनकम और एक्सपेंस विल बी कंसीडर एज इनकम और एक्सपेंस व्हेन एज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। इनकम को इनकम तब मानोगे जब आप उसे रिसीव कर लोगे, और खर्चे को खर्चा तब मानोगे जब आप उसे पे कर दोगे। ऑन दी अदर हैंड, अक्रूअल मेथड क्या कहता है? अंडर दिस मेथड एक्सपेंस और इनकम विल बी कंसीडर एज एक्सपेंस या इनकम ऑन द बेसिस ऑफ ऑन ऑन द बेसिस नहीं ऑन ड्यू बेसिस एक्चुअल पेमेंट और रिसीव्ड इज एक्चुअल पेमेंट और रिसीव्ड इज इररेलेवेंट। तो आपके लिए एक्चुअल में पेमेंट करना और एक्चुअल में उस पैसे को रिसीव करना इररेलेवेंट हो जाता है। तो सर जैसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वापस आता हूं मैं बैक टू क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन था मुझे इनकम ड्यू हो गई है, मेरी इनकम ड्यू हो गई है, मुझे रिसीव नहीं हुई है, क्या मुझे इनकम टैक्स देना है उस पे? तो आपका आंसर ना तो यस आना चाहिए ना नो आना चाहिए, आपका एक काउंटर क्वेश्चन मेरे पास आना चाहिए। सर पहले बताइए आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या चल रहा है, कैश बेसिस पे काम करते हो या अक्रूअल बेसिस पे काम करते हो? कैश बेसिस पे करते हो तो आपकी इनकम नहीं मानेंगे, अक्रूअल बेसिस पे करते हो तो आपकी इनकम मानेंगे। बोलो ये बात समझ आई या रिपीट करना है? इसको मर्केंटाइल अकाउंटिंग भी कहते हैं, अगर आपको पता हो। इसको मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम भी कहा जाता है अक्रूअल वाले को। हाँ जी, आंचल कह रही है समझ आ गई, एक बार फिर से हो जाए, फिर से हो जाए उसी जोश में। अगर कोई आपसे पूछे बताइए ये इनकम ड्यू हो गई है रिसीव नहीं हुई है, वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट, तो आप उसे यस और नो का जवाब नहीं देंगे, आप उससे काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे, भाई पहले थम जा और ये बता मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा है तेरा, अक्रूअल है या ड्यू कैश है? कैश बेसिस है तो इनकम नहीं है क्योंकि रिसीव नहीं हुई है, अगर अक्रूअल बेसिस है तो डेफिनेटली इनकम है भले ही रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, चलिए इतनी ही बात की दोस्तों।
मेरे पास आपसे करने के लिए, मैंने आपको पॉइंट नंबर 6 खत्म कराया है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जस्ट, ठीक है। सो दिस इज दी एंड ऑफ दिस चैप्टर। कुछ भी नहीं रह गया है इस चैप्टर में जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना हो, कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना हो। नाउ आई एम ओपन फॉर द क्वेरी। आपकी अगर कोई क्वेरी है, डाउट्स हैं, यू कैन आस्क ऑन द चैट सेक्शन। YouTube वाले बता दीजिए, YouTube वाले भी बता दीजिए एक बार, समझ आ गई आपको बात। नितिन शर्मा कह रहे हैं सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नितिन शर्मा एक बार नाम बोल दो क्लास में। कन्हैया शर्मा है, कन्हैया शर्मा क्या नाम है भाई? नितिन शर्मा कह रहे हैं सर एक बार नाम बोल दो, कन्हैया शर्मा। बोल दिया कन्हैया शर्मा। लाइव एट होम स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो प्लीज पूछ लीजिएगा, अदरवाइज वी कैन एंड दिस लाइव सेशन एंड क्लास फॉर टुडे। एंड एज अर्लियर इन्फॉर्म्ड, ये क्लास नंबर 6 यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल रहेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस। वो क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं रहेगी, तो सभी स्टूडेंट्स जो लाइव एट होम में क्लासेस ले रहे हैं वो आरडीवी क्लासेस ऐप पर ही आके अपनी क्लास लाइव लेंगे। चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, शपक खैर, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस पर अपने नए चैप्टर के साथ। आई एम एंडिंग दिस लाइव सेशन एंड क्लास फॉर टुडे। अगर आपका कोई और डाउट नहीं है तो